क्यों मार रहे हो? यहाँ से देखो, सुनो सुनो, पागल होकर दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। क्या सपने देखे थे आजादी के? क्या क्या देखना पड़ रहा है? अरे आजादी किस चिड़िया का नाम है साहब? काय की आजादी? किसकी आजादी? किसके लिए आजादी? ऐसा भूखे नंगे पेट रहने की आजादी, सिगरेट पीकर सड़ जाने की आजादी साहब, अरे मवाली से मार खाने की आजादी, और फोकट में दंगे में मर जाने की आजादी। कभी कभी ऐसा लगता है साहब, ऐसी आजादी से तो गुलामी ही अच्छी थी। श्रीनगर में आज तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी। 20 पाकिस्तानी परिशिक्षित आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए। पंजाब के आतंकवादियों द्वारा आ गए यार 32 यात्रियों। आना जाना आना जाना यही करते रहो दिन भर, दरवाजे ही खोलते रहो। भागलपुर में फिर से दंगा हुआ, कुएं में 13 लाशें बरामद। कॉमनवेल्थ प्रतियोगिता में राणा डे कॉल है, क्या हुआ? पीटा पीटा सा आया आपको पूछ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आ जाओ एक अहिंसक क्रांति, आजादी की ओर नया मोड़, लौह पुरुष लोकनायक आदमी इस्पात का एक राष्ट्र का जन्म। ये क्या हो गया है तुम्हें? क्यों, कोई टाइटल पसंद नहीं है आपको? कोई बात नहीं, बहुत वक्त है और ढूंढ निकालेंगे। वैसे आपके डेडलाइन के हिसाब से किशन ने सारा मटेरियल इकट्ठा कर लिया है, पिक्चर्स बुक्स न्यूज रील सब। राम तस्वीरें जल्दी से उतारिए, चलिए उतारो, चढ़ाओ चढ़ाओ उतारो, बस यही करते रहो काम कर अपना। वही कर रहा हूँ। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी राहुल, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। क्या, क्यों, घर में कोई प्रॉब्लम? नहीं। फीस की कोई प्रॉब्लम? फीस? मैं ये काम पैसे के लिए नहीं कर रहा हूं। फिर आप आज इतने जरूरत से ज्यादा परेशान क्यों हैं? खुश होने की भी कौन सी बात है? क्यों, आज देश में जो हो रहा है उसे देख के शर्म आती है। कमान, इतनी ज्यादा तरक्की भी तो हो रही है। किस तरक्की की बात कर रहे हो? बड़े बड़े बांध, कल कारखाने, सुपरफास्ट ट्रेनें, मोटर गाड़ियों के नए नए मॉडल, ये तमाम टीवी, रंगीन टीवी, ये कंप्यूटर कुलियां। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि आजादी के बाद हमने किस तरह के इंसान बनाए, कैसे मानव तैयार किए हैं, कैसे समाज का निर्माण किया है। आज सड़क पर जब एक आदमी मुझसे कहता है कि ऐसी आजादी से गुलामी बेहतर थी, तो दुख नहीं होगा सुन के? ऐसा नहीं लगता जो कुछ भी आज हो रहा है उसके बीच तब बोए गए थे, जाने अनजाने। कितनी धूल जम गई है इन तस्वीरों पर। लेट अस डू द फिल्म। 1942 में क्विट इंडिया यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो के आंदोलन के साथ शुरू हुआ भारत के स्वतंत्रता संग्राम का आखिरी दौर। दूसरे ही दिन सब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी के साथ अंग्रेजों का भयानक अत्याचार शुरू हुआ। पर विश्व युद्ध में फंसी हुई ग्रेट ब्रिटेन की सरकार को जल्द ही यह एहसास हो गया कि ब्रिटिश कॉलोनीज के लोगों के सहयोग के बिना युद्ध जीतना असंभव है। इसलिए स्वराज की मांग पर फिर से बातचीत शुरू की गई और सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया। संतोष पटेल की जय।
सुना है आज गांधी आ रहे हैं भाषण देने। एक और समाज सुधारक। नमस्ते जी। लगता है गांधी जी आ गए। मावलन कर ब्रह्मचर्य का पालन और संडा साफ करने से आजादी मिलेगी। इस पर भाषण सुनने से खेल ही अच्छा है, कम से कम दिमाग तो लगता है। वन नो ट्रम्प। नमस्ते। कैसे? प्रणाम। आदाब। मेरा छोटा भाई पल्लव। हेलो यंग मैन। हेलो। अंग्रेजी और अंग्रेजों से इतना मोह, ये हमें कहां ले जाए? मेरे आग्रह करने पर श्रीमान तिलक जी और जिन्ना साहब और बाकी सब लोगों ने अपनी मातृभाषा में बोलकर उसे जो सम्मान दिया वो बहुत बड़े आनंद की बात है। हमारी हर सभा में पहला प्रस्ताव होता है ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी का। ऐसा प्रस्ताव पास करके हम अपनी हीनता का परिचय देते हैं। इस प्रणाली को खत्म करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे आत्मसम्मान के विरुद्ध है। मैं एक ऐसा कार्यकर्ता चाहता हूं जो बाकी सब कुछ छोड़कर पूरे समय मेरे साथ रह सके और खेड़ा सत्याग्रह की जिम्मेदारी संभाल सके। तो कौन होगा वो पहला सत्याग्रह? हमें बापू का कहा करके दिखाना है। सामूहिक अहिंसक असहकार की शक्ति को हमें साबित करना है। अगर आप लोग सब एक मत होकर ये तय कर लें कि हम अपनी मर्जी से ये लगान नहीं भरेंगे तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी सरकार के पास ऐसा कोई साधन नहीं है जो आपका इरादा बदल सके। तो बोलो कौन कौन तैयार है? डर है कि ये सरकार हमारी जमीन को जब्त कर लेगी। मैं पूछता हूं कि क्या मतलब है इसका? कैसे कर सकती हो तुम्हारी जमीन को जब्त? क्या तुम्हारी जमीन को उखाड़ कर अपने सर पे उठाकर
उसे लंदन ले जाएंगे। और वैसे भी एक काम करने के लिए तो सरकार को गांव या तहसील के आदमियों की जरूरत पड़ेगी, तो होना तो ये चाहिए कि ये काम करने के लिए सरकार को एक आदमी भी ढूंढे न मिले। हम पूरे तहसील की हवाई ऐसी बनाएंगे कि उसमें स्वराज की सुगंध हो। ये पैसे हमारे गांव की सभी बहनों ने इकट्ठा किए। क्या वो सभी सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तैयार हैं? आप जो कुछ भी कहें हम सब करने को तैयार हैं। क्यों? आप हमारे सरदार जो हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। Honorable settlement. Sir, you settled the farmer's rights. We'll resettle your honor. सत्याग्रह के सफलता के लिए आप मुझे श्रेय दे रहे हैं, लेकिन मैं उसके पात्र नहीं हूं। जिस तरह कोई असाध्य रोग से पीड़ित मरीज ये लोक और परलोक के बीच में झूल रहा हो और कोई सन्यासी उसे जड़ी बूटी दे दे जिससे वो रोगी स्वस्थ हो जाए, अच्छा हो जाए, ऐसी हालत
हिंदुस्तान के लोगों की है। अगर श्रेय का कोई सच्चा हकदार है तो वो सन्यासी है जिसने जड़ी बूटी दी है, और बाकी के श्रेय के हकदार है तो वो रोगी है जिसने वो दवाई ली, जिसने संयम रखा, और बाकी के श्रेय के हकदार हैं मेरे साथी हैं जिन्होंने चकित कर देने वाले अनुशासन का परिचय दिया। मैं तो सिर्फ वो जड़ी बूटी घिस कर पिलाने वाला हूं। भर के हालात को देखते हुए हमारी सभी पार्टी से अपील है कि देश की भलाई के लिए यूनाइट हो जाएं, सिर्फ अपने बारे में नहीं 40 करोड़ इंडियंस के बारे में सोचें। योर एक्सीलेंसी, कांग्रेस की मांग है यूनाइटेड इंडिया और एक सेंट्रल अथॉरिटी। लंबे अरसे का करार पाकिस्तान के वजूद को मानकर ही किया जा सकता। पंजाब के मुसलमानों को जबरदस्ती मुस्लिम लीग या पाकिस्तान से नहीं जोड़ा जा सकता। सिर्फ कांग्रेस और मुस्लिम लीग से बात करके किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। 6 करोड़ शेड्यूल कास्ट आबादी को अनदेखा नहीं किया जा सकता। हमें पाकिस्तान बनने पर कोई एतराज नहीं, अगर जिन्ना साहब सिखों के लिए भी अलग सूबा देने को तैयार हो। योर एक्सीलेंसी, हिंदुस्तान में मुसलमानों की नुमाइंदगी सिर्फ मुस्लिम लीग करती है, इसलिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मुसलमान मेंबरान को नामजद करने का हक सिर्फ हमारा होगा। योर एक्सीलेंसी, जिन्ना साहब का यह दावा हम मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसका मतलब होगा कांग्रेस मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करती। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और इसमें सभी मजहब के लोग शामिल। मुट्ठी भर भटके हुए मुसलमानों के दम पर मुसलमानों की नुमाइंदगी का दावा कैसे किया जा सकता है? कांग्रेस को इस बात का पूरा हक है कि वो जिसे चाहे उसे नामजद कर सकती है। हम इस मुल्क में रहने वाले हर शख्स के नुमाइंदे हैं और हर कोई हमारा नुमाइंदा, चाहे वो किसी भी इलाके का रहने वाला हो या किसी भी मजहब का मानने वाला हो। शायद जिन्ना साहब को याद हो कि वो भी कभी इसी कांग्रेस में थे। हमारे फाजिल दोस्त किस जमाने की बात कर रहे हैं? वो कांग्रेस अब रही कहां है? शायद आज के हिंदू कांग्रेस के नुमाइंदों को अच्छी तरह से याद होगा कि 1937 के इलेक्शन के बाद किस तरह हम दोस्ती का पैगाम लेकर गए थे उनके पास, अपना बड़ा भाई मानकर गए थे कि मुसलमानों की ख्वाहिश है उन्हें भी यूपी की सरकार में शामिल किया जाए, लेकिन हमें धुतकार दिया गया। क्यों? क्योंकि हिंदू कांग्रेस की भारी ब्रूट मेजॉरिटी के सामने मुस्लिम माइनॉरिटी कर ही क्या सकती थी। योर एक्सीलेंसी, मैं एक बार फिर से अपना फैसला दोहराता हूं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मुसलमान मेंबर को नामजद करने का हक
सिर्फ मुस्लिम लीग का है। मैंने तो जिन्ना से कहा कि भाई शादी के पहले ही तलाक की बात क्यों करते हो? वो अपनी माइनॉरिटी पोजीशन का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। जब हम जेल में थे तो लीग जंग में अंग्रेजों की मदद कर रही थी, तो अब अंग्रेज उसकी तरफदारी करेंगे ही। मगर वायस राय कांग्रेस की अक्सरियत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें फिलहाल सिर्फ यही देखना है कि वायसराय और होने वाली एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बीच क्या रिश्ता होगा। मगर जिन्ना तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बराबरी की बात करते हैं, यहाँ तक कि मजहबी मामलों में वीटो का भी हक मांग रहे हैं। बस जिन्ना जो चाहे कर ले, अब उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। We have to arrive at a position where the Congress feels that they have got their United India and the Muslim League feels that they have got their Pakistan. They're all here except Mr. Jinnah. हमारे सामने इस वक्त दो प्रपोजल्स हैं, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए के तहत सारे इंडिया का एक यूनियन बनाया जाएगा। प्रोविंसेस को मुस्लिम और हिंदू आबादी के मुताबिक तीन ग्रुप्स में बांटा जाएगा। यूनियन के पास सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस रहेंगे, बाकी सारे पावर्स प्रोविंसेस के पास रहेंगे। और प्लान बी के तहत इंडिया का पार्टीशन होगा, जिसमें दो मुल्क बनेंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और इसके तहत पंजाब और बंगाल के मुस्लिम और गैर मुस्लिम इलाकों का भी बंटवारा किया जाएगा। इस तरह का कटा छटा और कमजोर पाकिस्तान हमें हरगिज मंजूर नहीं, और इतनी कमजोर यूनियन हमें मंजूर नहीं। योर एक्सीलेंसी, सबसे ज्यादा अहम मुद्दा है ग्रुपिंग का। यूनियन के बारे में सोचने से पहले ग्रुपिंग का मसला पूरी तरह से तय हो जाना चाहिए। मिस्टर जिन्ना, सबसे पहले तो ये तय कर लेना चाहिए कि मुस्लिम लीग संविधान सभा में शामिल होना चाहती है या नहीं। अभी तो यही तय होना बाकी है मिस्टर नेहरू के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होंगी कितनी, एक हिंदुओं की, दूसरी मुसलमानों की और तीसरी रियासतों की। जो प्लान मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर दे, वो फ्रंटियर के पठानों को कभी मंजूर नहीं होगा। योर एक्सलेंसी, प्लान बी तो हरगिज नहीं। कांग्रेस प्लान ए पर गौर करने के लिए तैयार है। प्लान ए को हम भी कंसिडर कर सकते हैं, बशर्ते कांग्रेस ग्रुपिंग की सारी शर्तों को पूरी तरह से मान ले। और जैसे तलाक के कानून होते हैं, ठीक वैसे ही किसी भी ग्रुप को यूनियन से अलग होने की पूरी छूट होनी चाहिए। मिस्टर जिन्ना, फिर वही बात, हम यहाँ पे आजादी की बात करने आए हैं, बंटवारे की नहीं। और अगर बंटवारा होना ही है तो उसका निर्णय एक आजाद देश के आजाद लोग करेंगे, अंग्रेज सरकार नहीं। तो इस उम्र में बालक राम की तरह जिद कर रहे हैं, हमें चंद्रमा ला दो, हमें चंद्रमा ला दो। चंद्रमा के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी समझ में तो कैबिनेट मिशन का 16 मई का प्रस्ताव सत्ता सौंपने का नहीं, बल्कि देश के विभाजन का प्रस्ताव है। मैं आपसे नाइत्तफाकी की माफी चाहूंगा बाबू, क्योंकि मेरी नजर में तो 16 मई का ये प्लान दरअसल कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी फतह है। बिना मारकाट और खून खराबे के ये पहला कदम है हिंदुस्तान की आजादी की तरफ, जो दुनिया की तारीख में बेमिसाल है। एक इतना बड़ा मुल्क, 40 करोड़ लोगों की आजादी, वो भी सिर्फ बातचीत और आपसी समझौते के जरिए। लेकिन मौलाना साहब, इसमें वही सब बातें हैं जिनका हम कदम कदम पर विरोध करते रहे हैं। नहीं नहीं कृपलानी जी, जरा गौर से देखें तो ऐसा शायद नहीं है। इस प्लान में कांग्रेस के नजरिए को ज्यादा से ज्यादा एकोमोडेट किया गया है। एक तरफ पूरे मुल्क की यूनिटी की गारंटी है और दूसरी तरफ माइनॉरिटीज को हर किस्म का वाजिब भरोसा दिलाया गया है। ये ग्रुपिंग की बात तो कतई गले नहीं उतरती बाबू, इस तरह तो विभाजन की शुरुआत हो जाएगी। ग्रुपिंग की बात को मान लेने से जिन्ना के पाकिस्तान की मांग भी यहीं खत्म हो जाएगी। सूबों के तीन ग्रुप हों, उनमें तीन सरकारें हों और अलग अलग पार्टियों की हुकूमत हो, तो भी क्या फर्क पड़ता है जब तक मुल्क एक है। देखो भाई मौलाना, ये मत भूलो कि ग्रुपिंग के सिद्धांत को मान लेने का मतलब होगा कि एक तरह से पाकिस्तान को मान लेना। तो क्या हम 16 मई के प्रस्ताव को नामंजूर करते हैं? अभी इस निर्णय की घोषणा करने की जरूरत नहीं है। पहले देखे तो मुस्लिम लीग का रवैया क्या है, जिन्ना का इरादा क्या है।
बापू कौन है ये? सुधीर घोष, बापू का दूत और अंग्रेजों का दोस्त। हाँ सुधीर, क्या बात है भाई? सरदार साहब पैतृक लॉरेंस क्रिप्स उस कार में बैठे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे क्यों? उनको पता चल चुका है। क्या? कि अगर किसी नतीजे पर पहुंचना है तो आपसे बात करना जरूरी है। क्या चाहते हैं? जिन्ना ने 16 मई और 16 जून के दोनों ही प्लानों को मंजूर कर लिया है, लेकिन कांग्रेस दोनों को ही नामंजूर करने वाली है, तो पावर अब मुस्लिम लीग के हाथों में आ जाएगा। हो सकता है। होगा ही, क्योंकि वाइसरॉय भी यही चाहते हैं। तो फिर पैथिक लॉरेंस को क्या परेशानी है? मेरी राय में कैबिनेट मिशन के इस वक्त के झुकाव को देखते हुए कांग्रेस अगर इस मौके का फायदा उठाए तो पावर आप, मेरा मतलब है कांग्रेस को पावर मिल सकता है। राजनीति असंभव को संभव बना देने की कला है। चलो मिलते हैं। हेलो। हेलो। We all tried very hard, and we're naturally concerned when we see that all our efforts have gone down the drain for nothing. Shall we go to some place and talk, or shall we settle the future of India here in the middle of the road? सत्ता हमारे सामने है, बस हाँ कहने की देर है। शर्त सिर्फ इतनी है कि 16 मई के प्रस्ताव को मान लिया जाए। लेकिन सरदार, उसे तो हम नामंजूर कर चुके हैं। जिन्ना दोनों प्रस्तावों को मंजूर कर चुका है जवाब। अगर हमने एक में भी हां नहीं भरी तो मिशन 16 जून के स्टेटमेंट के अनुसार सत्ता लीग के हाथों सौंप कर चला जाएगा, और तब जो पाकिस्तान बनेगा उसकी सरहद एक तरफ दिल्ली को छुएगी और दूसरी तरफ बंगाल और आसाम तक पहुंचेगी। ये कैसे हो सकता है? हम इसका विरोध करेंगे। विरोध करने के लिए अब समय कहां है जवाहर? स्थिति तो यह है कि अंग्रेज लोग अब ज्यादा दिन तक रहना ही नहीं चाहते, न राज चलाने के लिए न सत्ता सौंपने के लिए। वक्त की नजाकत को देखते हुए मैं भी यही समझता हूं कि हमें यह प्रपोजल मान लेना चाहिए। ये क्या कह रहे हो मौलाना? इसे मान लेने का मतलब है ग्रुपिंग को मान लेना, और ग्रुपिंग को मान लेने का मतलब है जिन्ना की शर्तों को मान लेना। ग्रुपिंग के मसले को लेकर मेरी कैबिनेट मिशन से अलग से बात हो चुकी है। अच्छा, वो क्या कहते हैं? उनका कहना यह है कि अगर हम 16 मई के प्रस्ताव को मान लेते हैं तो वो ग्रुपिंग की शर्तों को छोड़ देने के लिए तैयार है। लेकिन सरदार, हमारे कुछ सिद्धांत भी तो हैं। सिर्फ सिद्धांत के बल पर राजनीति नहीं चलती जवाहर, इसके लिए स्थिति को समझना जरूरी है, समय की चाल को पहचानना जरूरी है। बापू, आपका क्या ख्याल है इस प्रपोजल के बारे में? हम सब आपकी राय जानना चाहते हैं। अब तक मैं इस प्रस्ताव को एक ईमानदार कोशिश समझ रहा था, मगर अब इसमें से बंटवारे की बू आती। इसके अनुसार पूरब में असम और बंगाल के हिंदू प्रदेशों को मुस्लिम ग्रुप के साथ रहना होगा, तो दूसरी तरफ उत्तर पश्चिमी प्रांतों और पूर्वी पंजाब को भी मुस्लिम ग्रुप के साथ रहना होगा। ये मैं नहीं मान सकता। मुझे लगता है कि इस समय ग्रुपिंग की शर्त को महत्व नहीं देना चाहिए। अगर हम प्रस्ताव के बाकी मुद्दों से सहमत हैं तो यह प्रस्ताव हमें मान लेना चाहिए। इस समय सिर्फ दो ही चीज जरूरी हैं, एक तो ये कि लीग को सत्ता हथियाने से रोकना, और दूसरा कांग्रेस को सत्ता में लाना। बाकी के सभी लोग भी यही चाहते हैं। मैं अपनी राय तो नहीं बदल पाऊंगा, मगर फिर भी मेरी आत्मा की आवाज आपके तर्क पर खरी उतरे तभी उसे सुने, वरना आप लोग जो ठीक समझे करें। अब मैं जाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब मेरी यहां पर जरूरत रह गई है।
कांग्रेस 16 जून के वायसराय के स्टेटमेंट को नामंजूर करती है। 16 मई के प्लान के कुछ मुद्दों पर एतराज होने के बावजूद मुल्क की आजादी और एकता के खातिर इस प्लान को मानने के लिए हम तैयार हैं। शर्तों से जुड़ी कांग्रेस की मंजूरी को मंजूरी नहीं माना जा सकता। मुस्लिम लीग 16 मई और 16 जून के दोनों प्रपोजल्स को अपनी मंजूरी दे चुकी है, इसलिए सिर्फ मुस्लिम लीग ही सरकार बनाने की हकदार है। हम मानते हैं कि 16 मई के प्रपोजल को दोनों पार्टियों ने मंजूरी दे दी है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कार्रवाई अब शुरू की जा सकती है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाने के मामले में वो लोग हमराय नहीं है, इसलिए अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। कांग्रेस ने हमें ठगा है, मिशन ने चालबाजी की है, वॉयसराय ने धोखा दिया है। बदले हुए हालात को देखते हुए मुस्लिम लीग दोनों ही प्रपोजल्स को दी गई अपनी मंजूरी वापस लेती है। यही तो राजनीति है। जिना साहब अब तक अपनी नई नई के बल पर जीतते रहे, आज उनकी नई नई ने उनको हरा दिया। वैसे भी माइनॉरिटी सरकार कब तक चल सकती है? लगता है अब चुरा जाएगा, हमारी अपनी सरकार होगी, इसलिए अब हमें नए कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव भी करना है। जो अध्यक्ष होगा उसे ही सरकार बनाने के लिए बुलाया जाएगा और आजाद हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री भी वही होगा। मौलाना ने पिछले 6 बरस से ये जिम्मेदारी बड़ी अच्छी तरह से संभाली। अब मैं चाहता हूं कि ये बोझ कोई और संभाले। जैसा आप बेहतर समझें। 15 में से 12 प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने सरदार का नाम प्रस्तावित किया है। कुछ एक ने कृपलानी का नाम भी लिया है, लेकिन वो तो कृपलानी ने अपना नाम जवाहर के हक में वापस ले लिया। तो अब रह जाते हैं सरदार और जवाहर। पर मैं चाहता हूं कि चुनाव एक मत से हो, ताकि किसी के मन में शंका ना रह जाए। जवाहर, तुम्हारे नाम का प्रस्ताव किसी भी प्रदेश कमेटी की ओर से नहीं आया है, सिर्फ वर्किंग कमेटी ने ही सुझाव रखा है। तुम्हारा क्या कहना है? मैं अपना नाम वापस लेता हूं। लेकिन तुम्हारा रहना भी बहुत जरूरी है सरदार, देश के हित में। तुम दोनों को सरकार के दो पहियों की तरह काम करना होगा। क्या तुम जवाहर के साथ काम कर सकोगे? मुस्लिम लीग ने आज तक कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिसकी इजाजत कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता, लेकिन आज हमें इस बात पर मजबूर किया जा रहा है कि हम कानून भूल जाएं। अंग्रेजों के रहते जब कांग्रेस बार बार अपना रवैया बदल सकती है, तो सोचिए उनके पावर में आने के बाद माइनॉरिटीज का क्या हश्र होगा। कैबिनेट मिशन और कांग्रेस से समझौते के दौरान दोनों के हाथों में एक एक पिस्तौल थी, एक के पास सरकार और फौज की, दूसरे के पास अक्सरियत की, अपनी ब्रूट मेजॉरिटी की। अब हमने भी अपनी पिस्तौल तान ली है और हम उसका इस्तेमाल भी करेंगे। अगर मुसलमानों को पाकिस्तान नहीं दिया जाता तो जिहाद शुरू होगा, डायरेक्ट एक्शन। आई जवाहरलाल नेहरू, आई जवाहरलाल नेहरू, डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस, that I will bear true faith and allegiance to the crown as my lord's temple. Lullaby Patel, I, Vallabhbhai Patel,
do swear in the name of God. Do swear in the name of God. That I will bear true faith and allegiance. I'll bear true faith and allegiance. To the crown as by law established. To the crown as by law established. तो क्या हम चुपचाप देश को तबाह होता हुआ देखते रहे? नोआखली में मारकाट मची हुई है, बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार ही दंगे करवा रही है। 3 हफ्ते से लगातार हमें चेतावनी मिल रही थी, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए। और वाइसराय ना वो खुद कुछ करते हैं ना हमें कुछ करने देते हैं। ऊपर से कहते हैं कि दंगा रोकने की जिम्मेदारी हमारी नहीं, प्रदेश के गवर्नरों की। आखिर हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बैठे कर क्या रहे? शर्मानी चाहिए हमें। बहुत हो गया, मैं तो कहता हूं कि हमें इस्तीफा दे देना चाहिए। देखो, गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है जवाहर, लेकिन गुस्से में कभी कभी गलतियां हो जाती है। इस मोड़ पर इस्तीफा देना ठीक नहीं है। मुस्लिम लीग दोहरी चाल चल रही है, एक तरफ वो काउंसिल में आना चाहती है और दूसरी तरफ देश भर में दंगे करवा रही है। और वाइसरॉय का रवैया तो तुम जानते ही हो, वो तो चाहते हैं कि हम काउंसिल के बाहर चले जाएं ताकि मुस्लिम लीग की सरकार बने। अब जरा सोचो, जो लोग बाहर रहकर इतना कर रहे हैं, जब सरकार ही उनकी होगी तो क्या होगा? मैं इजाजत चाहूंगा, कुछ विदेशी फोटोग्राफर मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना ही होगा। आपकी तबीयत अब कैसी है? तुम्हारी तरह जवान तो नहीं हूं मैं। जवान तो खैर मैं भी अब कहां, लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं होना चाहता कि सर हिलने लगे। अच्छा है। वो क्यों? बुढ़ापा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। देखा, चाय भी नहीं पी और चले गए। अरे भाई, तुम्हारी चाय के अलावा दुनिया में और भी जरूरी काम हैं। लेकिन बापू, आप होते तो ऐसा नहीं करते। मेरे लिए विदेश से फोटोग्राफर भी कहाँ आते हैं? सर, बॉम्बे से खेर साहब का फोन है। हाँ, बोलो खेर। सरदार साहब, बंबई में हालत बेकाबू होती जा रही है, दंगे फैलते ही जा रहे हैं। तो तुम क्या कर रहे हो वहाँ पर? रोको उसे। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि उसके लिए फायरिंग जरूरी है। जो जरूरी होता है वो करो। जाने भी जा सकती हैं। तो भी, लेकिन अहिंसा का क्या होगा? हेलो 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 सर, हेलो हेलो। अभी अभी मिले समाचार के अनुसार देश भर में दंगों की स्थिति बिगड़ती जा रही है। रावलपिंडी, कराची और बंबई में भी लूटपाट, हत्या और आगजनी की वारदातें हुई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष श्री जवाहरलाल नेहरू ने जनता से अपील की है कि वह अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। आखिरकार तो मुस्लिम लीग को सरकार में शामिल करना ही पड़ेगा। सरकार में आने के लिए लीग खुद ही बहुत उतावली हो रही है, लेकिन उसके पहले वो अपनी पोजीशन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा लेना चाहते हैं। वाइसरॉय ने मुझे भरोसा दिलाया है कि मिस्टर जिन्ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पूरे सहयोग की भावना के साथ आना चाहते हैं। ना ही मुझे जिन्ना की जबान का भरोसा है, ना ही वेवल की बात का। सरदार, मुझे लगता है कि उनका सरकार में आना जरूरी भी है। वाइसराय चाहते हैं इसलिए नहीं, मुल्क के भले के लिए। सियासत की मांग है इसलिए भी। कुछ भी हो, सबसे पहले जिन्ना को ये लिख कर देना होगा कि वो अपना डायरेक्ट एक्शन प्लान फौरन वापस ले लेंगे, और दूसरा, मुस्लिम लीग संविधान सभा में बिना किसी शर्त के शामिल होगी। मुस्लिम लीग होम मिनिस्ट्री की मांग कर रही है और लॉर्ड वेवल भी इसके लिए जोर दे रहे हैं। ये नहीं हो सकता। मगर सरदार, अगर मगर की कोई गुंजाइश ही नहीं है जवाहर, हमें बिना किसी झिझक के इस बारे में उनको साफ ना कह देना चाहिए। लेकिन सरदार, हम गृह मंत्रालय उनको किसी भी कीमत पर नहीं दे सकते। लेकिन सरदार, हम मिशन के प्लान में ये मान चुके हैं कि लीग भी काउंसिल में शामिल होगी। लीग अपनी पाकिस्तान की मांग कभी छोड़ेगी नहीं। देश भर में दंगे करवा रहे हैं, बार बार अपनी बात से बदल जाते हैं। मिस्टर जिन्ना कुछ भी लिख कर देने को तैयार नहीं है। ये सब जानते हुए हम उनको गृह मंत्रालय कैसे दे सकते हैं?
अगर ऐसा हुआ तो मैं काउंसिल से इस्तीफा दे दूंगा। आई लियाकत अली खान, आई लियाकत अली खान, डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस, दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस, टू द क्राउन एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड, टू द क्राउन एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड। सरकार में रहकर भी अगर गजनाफर अली मुस्लिम लीग की मीटिंग में ये कहते हैं कि या तो कांग्रेस झुक जाए या देश में मारकाट होती रहेगी, तो आप उन्हें याद दिलाइए कि वो जिस सरकार का बिल्ला पहनकर वोट बटोरने के लिए ऐसी बातें करते हैं, वो सरकार की होम मिनिस्टर ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी है। आप बोल दीजिए उनको। सरदार, कुल मिलाकर मुझे लगता है ये बजट काफी प्रोग्रेसिव है, और सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम लीग के लियाकत अली ने इसे पेश किया है, हमें इसका विरोध नहीं करना चाहिए। मैं विरोध के लिए विरोध की बात नहीं कर रहा हूं जवाहर। मैं किसी भी हालत में बजट को मान नहीं सकता। लेकिन सरदार, देखो जवाहर, मुझे इस बजट के पीछे छिपे हुए इरादों पर शक है। मुझे साफ दिखाई दे रहा है इसके पीछे का मकसद क्या है। उन उद्योगपति और व्यापारियों पर दबाव डालना जो कांग्रेस के साथ रहे हैं। पर सरदार, और ये मत भूलना जवाहर कि कभी हम भी सरकार के विरोध में थे और तब इन्हीं उद्योगपतियों ने हमारी मदद की थी, और अब लियाकत अली साहब समाजवाद का जामा पहनकर उनकी तब की आमदनी पर हर्जाना वसूल करना चाहते हैं। लेकिन ये बात लीग के समर्थकों पर भी तो लागू होगी। मुस्लिम लीग को मदद ज्यादातर उनके जमींदारों से मिलती है। सरदार, मुझे लगता है कि आप इस बजट में कुछ ज्यादा ही अर्थ देख रहे हैं। अर्थ नहीं, मैं अनर्थ देख रहा हूं। ये बड़ा सोच समझ के बनाया हुआ प्लान है। देखो जवाहर, सरकार में मुस्लिम लीग का रवैया तो बिल्कुल साफ है, उनको साथ में रहकर काम करना है नहीं, और जब से फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके हाथ में आई है एक काम आगे नहीं बढ़ रहा है। उनको सिर्फ अपने पाकिस्तान से मतलब है। उनको ये लग रहा है कि हम तो घर से निकले थे जेल जाने के लिए, ये सरकार में मंत्री कैसे बना दिए गए। ये डायरेक्ट एक्शन प्लान, ये बजट, उसके पीछे सिर्फ एक ही दिमाग काम कर रहा है, एक ही विचार, पाकिस्तान। वो बात तो ठीक है सरदार, लेकिन देखो जवाहर, तुम मुझे उद्योगपतियों का दोस्त समझो या न समझो, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं इस बजट का हर हाल में विरोध करता रहूंगा। तलवार से तलवार टकराने वाली भाषा का मैं सख्त विरोध करती हूँ, और इसके पीछे जो सांप्रदायिक मानस है उसका भी मैं विरोध करती हूँ। हम अपने कुछ वरिष्ठ नेताओं की प्रतिक्रियावादी और सांप्रदायिक भाषा सुनकर चुपचाप बैठे तालियां नहीं बजाने वाले। जैसा कि पंडित जी ने कहा है, हमको मुस्लिम लीग और उसके नेताओं से साफ साफ शब्दों में कह देना चाहिए कि अगर उनको अंतरिम सरकार में रहना है तो उनको कैबिनेट मिशन प्लान को अपनाना होगा, वरना उनको सरकार से फौरन बाहर हो जाना चाहिए। मगर बात को कहने के भी कई ढंग होते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हमें मजबूरन पार्टी छोड़नी पड़ेगी। कभी हम भी जवान, लेकिन हमने हमारी ताकत को देश की सेवा में लगाया, अपने बुजुर्गों पर कीचड़ उछालने के लिए नहीं। जो भाई पार्टी से बाहर जाना चाहते हैं, अगर उनको हमारे साथ रहने में तकलीफ होती है तो वो लोग जा सकते हैं, मैं उन्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन अगर वो ये सोचते हैं कि वो इनसे बड़ी क्रांति लाएंगे तो ये उनका भ्रम है। ये तो ऐसे हुआ भाई कि जैसे किसी भरी हुई गाड़ी के साये में कुत्ता चलता हो और वो ये समझे कि गाड़ी उसकी वजह से चल रही है। तो मैं अपने नाराज साथियों को ये विश्वास दिलाता हूं कि गाड़ी उनके बगैर भी चलती रहेगी। इन लोगों को मेरी भाषा से आपत्ति है, लीक के कर्मों से नहीं, जिसकी वजह से ये पूरी तबाही मची हुई है, खून खराबा हो रहा है। अगर लीग यही चाहती है तो ठीक है,
तलवार का मुकाबला तलवार से ही होगा। तीन टांगों की दौड़ कब तक चलती रहेगी? एक तरफ वाइसरॉय है, दूसरी तरफ जिन्ना है, बीच में हम खींचे जा रहे हैं। क्या लगता है मैनन तुम्हें? मुझे भी लगता है कि ये मिली जुली सरकार तो नहीं चलेगी। पूरे देश का एक यूनियन बनाने का प्लान भी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि जना अपनी पाकिस्तान की मांग नहीं छोड़ेंगे। दंगे सारे देश में फैल जाएं, सिविल वॉर हो जाए, इससे अच्छा यही है कि हम डोमिनियन स्टेटस के तहत देश के बंटवारे के लिए अभी राजी हो जाएं। वरना अगर बाद में मजबूरन बंटवारा करना पड़ा तो पता नहीं देश का नक्शा क्या होगा। अगर अंग्रेजों के रहते बंटवारा होता है तो जनाब पंजाब और बंगाल के गैर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज का दावा नहीं कर सकते। सत्ता आसानी से सौंपी जा सकती है और ये सब शांति से हो सकता है। तो अलग अलग सरकारें, तो अलग अलग संविधान, तो अलग अलग देश। Five top Indian leaders? No. They're all past middle age. They're all very well versed in the art of agitation. They're all lawyers. None of them have any administrative experience. Mm-hmm. And they're all totally submerged into political activities. Now, what do you think about that? That's very interesting, darling. You almost sound like a diplomat. I'm going to become one. Just you wait and see. Jawahar, it's so good to see you again. Hello, Dickie. पिछली मुलाकात सिंगापुर में हुई थी और आज हम यहाँ मिल रहे हैं। Hello. Hello. वक्त गुजरता जा रहा लेकिन आप दिन ब दिन जवान होते जा रहे हैं। लेकिन आपसे कम। अच्छा, आप हमें अपनी जवानी का राज बताएं तो हम आपको अपना। मैं तो आपका राज पहले से ही जानता हूँ। जवाहर, आप अगर मुझे ब्रिटिश राज के आखिरी वाइसरॉय की बजाय वो पहला अंग्रेज समझें जो आजाद इंडिया के लिए एक रास्ता बनाने में आपका हाथ बटाने आया है, तो मुझे कहीं ज्यादा खुशी होगी। अब मैं समझा कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं। क्या कहते हैं लोग? कि आपका जादू बहुत खतरनाक है। माय गॉड। मिस्टर नेहरू, यहां के हालात के बारे में काफी कुछ सुनता आया हूं, लेकिन मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। आप मुझे मिस्टर जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग के बारे में कुछ बताएंगे? उनकी कामयाबी का राज तो उनकी नाम है। ये मानते हुए कि इस मुल्क के बारे में, यहां के रंग ढंग के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता और कांग्रेस को तो और भी नहीं, क्या इस मामले में आप मेरी मदद करेंगे? जी फरमाइए। आपका मिस्टर नेहरू के बारे में क्या ख्याल है? रंगीन मिजाज रईस हैं, काबिल हैं, सहीन हैं, सियासत में है मगर जज्बाती है। और ये मिस्टर पटेल?
कांग्रेस में गांधी के सामने सिर्फ वही खड़े रह सकते हैं। मैं तो फौजी आदमी हूं, कोई पॉलिटिशियन नहीं। पर यह बताइए मिस्टर पटेल, आप पॉलिटिक्स में कैसे आए? योर एक्सेलेंसी, मैं यहां पर अपने बारे में बात करने नहीं आया हूं। यहां की स्थिति बहुत गंभीर है, मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। पर मिस्टर पटेल, यहां की स्थिति समझने के लिए आपको और बाकी लीडरों को समझना बहुत जरूरी है। ये निजी बातें करने का समय नहीं है योर एक्सेलेंसी। मैं यहां पर आपको ये बताने आया हूं कि हम हमारे नए वाइस रॉय से क्या आशाएं रखते हैं। आप बुरा न माने मिस्टर पटेल, लेकिन आपकी राय के साथ साथ मैं आपको भी जानना चाहता हूं। तो फिर मैं चलता हूं। ठहरिए मिस्टर पटेल, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना था और सच ही सुना था। कहिए। हमने बाकी सब लीडरों के साथ बातचीत की है, लेकिन आपकी राय लिए बगैर कोई फैसला नहीं किया जा सकता। मेरी आपसे विनती है कि आप कुछ भी कीजिए, मगर देश का बंटवारा मत कीजिए। लेकिन मौजूदा हालात देखते हुए तो अगर बुरा ना माने तो एक कड़वा सत्य बोलूं, ब्रिटिश सरकार की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ने यह परिस्थिति पैदा की है। किया तो हम कानून और व्यवस्था की खातिर ब्रिटिश राज को जारी रखने के लिए राजी हो जाएं, या फिर आपस की हिंसा के लिए तैयार हो। लेकिन मिस्टर गांधी, मैं आपसे पहले के वायसराय ने जो कुछ किया है उसका फल तो आपको भुगतना पड़ेगा, उससे ना आप बच सकते हैं ना हम। पर मिस्टर गांधी, मैं तो देखिए, इस मिलीजुली सरकार से ना मुस्लिम लीग खुश है ना कांग्रेस। ये आप ठीक कह रहे हैं, वो एक दूसरे को हुकूमत के साझेदार की तरह नहीं, दुश्मन की तरह देखते हैं। जो भी हो, लेकिन आंख बंद कर लेने से सच्चाई तो नहीं छुप जाती। तो आपका क्या सुझाव है? इस मिलीजुली सरकार को रद्द कर दीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप मिस्टर गांधी? एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रद्द कर दीजिए, सत्ता मुस्लिम लीग के हाथ में सौंप दीजिए और जिन्ना को राज चलाने दीजिए। लेकिन ये कांग्रेस को मंजूर होगा? कह नहीं सकता, लेकिन अगर वो भी चाहते हैं कि देश का बंटवारा ना हो तो ये एक ही रास्ता बचा है। मालूम नहीं मिस्टर जिन्ना क्या कहेंगे। वो तो कहेंगे कि फिर वही शैतान गांधी। मिस्टर जिन्ना, आप मिस्टर गांधी के इस प्रपोजल के बारे में क्या सोचते हैं? सोचने की जरूरत नहीं है योर एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कांग्रेस इस पर कभी राजी नहीं होगी। बापू, आप महात्मा हैं, हम तो ठहरे साधारण लोग। ऐसी उदारता आपके मन में ही हो सकती है। बापू, इतनी बड़ी गैर मुस्लिम आबादी माइनॉरिटी सरकार को कैसे बर्दाश्त कर सकती है? और हमने आपके विचार पर बहुत गहराई से हर पहलू से सोचा है, लेकिन कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। देश को मुस्लिम लीग और जिन्ना को सौंप देने की बात वो किसी के गले नहीं उतरती। अब मैं तो क्या कहूं, आप लोग जो ठीक समझे करें। करोड़ों लोगों का भला जो शायद आप देख पाते हैं, अब मैं नहीं देख पाता हूं। ठीक है, मैं वायसराय से जाके कह दूंगा कि भाई मुझे माफ करो, मैं कांग्रेस को मना नहीं पाया। You don't really mean that, do you, Dickie? Absolutely, Johar, absolutely. Johar, a word with you, please.
Ladies, if you would excuse us. Certainly. Thank you. Come. Come. Jawahar, काफी गौर करने के बाद हमने हुकूमत सौंपने का एक नया प्रपोजल बनाया है। मैं उसे लंदन भेज ही रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप उसे एक बार देख ले। हरगिज नहीं, हम किसी भी हालत में इस प्लान को नहीं मान सकते। आखिर किस दिमाग की उपज है ये? क्या इरादे हैं इसके पीछे कि हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाए? हमने तो सोचा था कि आप लोग अपने पीछे एक आजाद देश को छोड़कर जाना चाहते हैं, मगर इसके मुताबिक तो हर छोटा मोटा प्रदेश अपने आप में आजाद हो जाएगा। राजे रजवाड़े मनमानी करने के लिए खुद मुख्तार हो जाएंगे और ये देश बनने से पहले ही तिनके तिनके बिगड़ जाएगा। जवाहर, ये सिर्फ आपका डर है, डर जो हकीकत भी बन सकता है। ये आजादी सौंपने का दस्तावेज नहीं, देश की बर्बादी की तस्वीर है। मुस्लिम लीग को छोड़कर कोई भी हिंदुस्तानी इसको मानने के लिए तैयार नहीं होगा। जवाहर, मैं आपके जज्बात समझता हूं। ये शायद अपने आप में सही हल नहीं है, लेकिन एक ईमानदार कोशिश जरूर थी। वीपी, हमने जो लीडरों की मीटिंग बुलाई थी वो फिलहाल नहीं होगी। जरा प्रेस को खबर कर दीजिए और वजह बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे प्लान को लेकर मिस्टर नेहरू को कुछ एतराज है। इसलिए हर पहलू पर एक नए सिरे से गौर करना चाहिए। योर एक्सीलेंसी, हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं, हमें जो कुछ भी करना है जल्दी करना चाहिए। वो तो ठीक है वीपी। पिछले सितंबर में मैंने एक प्लान बनाया था, इसके तहत दो अलग अलग केंद्र सरकार बनाने का सुझाव है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी नेता इस पर राजी हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो इसके डिटेल्स मैं आपको दे सकता हूं। वो आप मुझे दे दीजिए, मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी को दिखा दूंगा, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इस प्लान को बनाते वक्त मेरी सरदार साहब से बात हुई थी, वो इससे सहमत है। आपकी दवाई भूलना नहीं। सर, शिमला से फोन है, पंडित जी बात करना चाहते हैं। हाँ, आया। हाँ बोलो जवाहर। हाँ बोलो। हेलो। हाँ, क्या खराब है? मौसम? हाँ, मेरी तबीयत ठीक है, बोलो। माउंटबेटन? हाँ, बेहुदा? हाँ हाँ, प्लान? हाँ हाँ, बोलो। हाँ, जरा जोर से। कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो हेलो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। एक मिनट, मैंने ने कोई प्लान बताया था दो सरकारों वाला। हाँ? पंडित जी, उसके बारे में आपकी राय जानना चाहते हैं। मान लो। हेलो मैनन। हाँ, वो कह रहे हैं मान लो। हाँ क्या? अच्छा एक मिनट, वो पूछ रहे हैं दूसरे लोग मानेंगे? देख लेंगे। देश का बंटवारा होगा ये तो? हम सबको दुख तो बहुत होता है जवाहर, लेकिन अब क्या करें, इसके सिवा और कोई उपाय ही नहीं है। देश का एक छोटा सा हिस्सा जरूर अलग होता है, लेकिन बाकी का हिस्सा तो अपने पास रहता है। उसको हम अपने ढंग से बना तो सकते हैं, पूरे देश को खतरे में डालने से तो यही अच्छा है। पता नहीं बापू को कैसा लगेगा। वो तो हम सबका विरोध करेंगे ही, उनको तो संपूर्ण स्वराज चाहिए, उसके सिवाय कुछ नहीं। कुछ दिन रूठे भी रहेंगे, लेकिन फिर वो मान जाएंगे, वो हमसे अलग थोड़े ही हैं। कुछ समझ नहीं आता। हम भी अपने देश को प्यार करते हैं, हमारा मन साफ है। मन छोटा ना करो जवाहर, सही गलत का फैसला वक्त पे छोड़ दो।
आज इस मीटिंग में जो फैसले लिए जाएंगे उनका असर सिर्फ इस मुल्क ही पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर होगा। इसलिए मौजूदा हालात को देखते हुए और आप सब लीडरों के साथ बात करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द सौंप दी जानी चाहिए आपके हाथों में। हमें पूरी उम्मीद है कि आपके इन फैसलों से पैदा होने वाले हालात को संभालने के लिए आप सब तैयार होंगे। सुजना, मैं आपसे आखिरी बार पूछता हूं कि क्या कैबिनेट मिशन प्लान के मुताबिक आप एक यूनाइटेड इंडिया को मानने के लिए तैयार हैं? हरगिज नहीं। तब तो हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है, इस देश के बंटवारे का। इसलिए मैं आप सबसे दरखास्त करता हूं कि बंटवारे के इस प्लान को अमन और दोस्ती के नाम पर आप सब मान लें। इस प्लान के दो खास पहलू हैं। डोमिनियन स्टेटस के तहत दो अलग अलग सरकार बनाने की तजवीज और बंगाल और पंजाब का बंटवारा। योर एक्सेलेंसी, जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस बंटवारे के इस प्लान को पूरी तरह मान तो नहीं सकती, लेकिन हिंसा को रोकने के लिए और शांति की खातिर इसे अपनाने के लिए तैयार है। इस तरह के कमजोर और कटे छटे पाकिस्तान को कबूल करने के लिए मुस्लिम लीग को मजबूर नहीं किया जा सकता। फिर भी हम अपनी वर्किंग कमेटी से सलाह मशवरा करेंगे, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता। हमारे लिए यहां मौजूद लीडरों की मंजूरी काफी है, लेकिन आप सबका फर्ज है कि वक्त के मुताबिक आप जरूरी फैसले करें। योर एक्सेलेंसी, फैसले सिर्फ लीडरों के हाथों में नहीं, उसके लिए हमें अपने आकाओं के पास जाना होगा, आवाम के पास, उन्हें समझाना होगा, कई बातों का खुलासा करना होगा। मुझे लगता है मिस्टर जिन्नात ने नहीं कहीं भूल गए। भूल नहीं गए हैं, छिपा के रखिए, वक्त आने पर निकाले। मैं आप सबसे दरखास्त करता हूं कि यह प्लान आप अपनी अपनी वर्किंग कमिटीज को दिखा दें और आज रात तक उनका फैसला आप हमें लिखकर भिजवा दें। नहीं, ये मुमकिन नहीं मिस्टर जिन्ना, अब टाल मटोल की कोई गुंजाइश नहीं। जो भी तय करना है वो अभी करना है और साफ साफ करना है। योर एक्सीलेंसी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फैसला लिखित रूप में आज रात तक आपके पास पहुंच जाएगा। योर एक्सीलेंसी, लिखकर देना मेरे लिए तो मुमकिन नहीं। हाँ, अपनी वर्किंग कमेटी का फैसला आज रात तक मैं आपको जुबानी जरूर बता दूं। तो आपने क्या फैसला किया मिस्टर जिन्ना? फिलहाल तो फैसला मुमकिन नहीं योर एक्सीलेंसी। मतलब? हमारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग कुछ और दिनों तक नहीं हो पाएगी। अब आपकी ये चाल नहीं चलेगी मिस्टर जिन्ना। आप अगर इस प्लान को नहीं मानते तो इस बार कांग्रेस भी इनकार कर देगी और ऐसी हालत में हुकूमत मौजूदा सरकार के पास ही रहेगी। अब क्या ख्याल है आपका? अब मैं क्या कह सकता हूं योर एक्सीलेंसी, मैं मजबूर हूं। तो फिर आपको अपना पाकिस्तान भूल जाना होगा। जो होना है वो तो होके रहेगा मिस्टर जिन्ना। तमाम मुश्किलों के बाद ये प्लान यहां तक पहुंचा है, इस बार मैं आपको बना बनाया काम बिगाड़ने नहीं दूंगा। कल की मीटिंग में मैं ये कहूंगा कि मिस्टर जिन्ना इस प्लान को मानने के लिए तैयार हैं। आप किसी भी हालत में मेरी बात को नहीं काटेंगे। मैं आपकी तरफ देखूंगा, आप सिर्फ हां में सर हिलाएंगे। पार्टीशन के इस प्लान के लिए कांग्रेस की मंजूरी तो पहले ही मिल चुकी है। मैं आप लोगों से फिर एक बार पूछता हूं, क्या यह प्लान आप लोगों को मंजूर है? जी हां। थैंक यू। सदात बलदेव सिंह से सिखों की मंजूरी भी मिल चुकी है। जी। थैंक यू। वादे के मुताबिक कल रात को हमारी मुलाकात मिस्टर जिन्ना से हुई। उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि यह प्लान मुस्लिम लीग को मंजूर होगा। योर एक्सेलेंसी, मैं एक बेहद अहम मसले की तरफ इशारा करना चाहता हूं और यह है कि इस गांधी लोगों को भड़का रहे हैं। वो उनसे कह रहे हैं कि जो जी मैं करें
और अपने लीडरों की बात बिल्कुल नहीं माने। गांधी जी भड़काने वाली बात किसी से कर ही नहीं सकते। मैं इसका सबूत दे सकता हूँ। इस मीटिंग में जो भी फैसला होगा गांधी जी उसे मानेंगे। ये हम कैसे मान लें? देखिए प्लीज जेंटलमैन प्लीज। ये वक्त इस तरह की बहसों में पड़ने का नहीं है। ये वक्त है हुकूमत चलाने का, उसे संभालने का। अब आपके इस पार्टीशन के फैसले का नतीजा क्या होगा इसका एहसास आप लोगों को हो जाना चाहिए। द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। ये दस्तावेज खास तौर से इस मौके पर आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। हम चाहते हैं कि आप इसे पढ़ें और इस पर गौर करें। विभाजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि बहुमत यह मानता है कि इसी से एक शक्तिशाली भारतीय संघ की स्थापना की जा सकती है। मैं अपने कांग्रेसी साथियों से अपील करता हूं कि ऐसी नाजुक घड़ी में वो आपसी मतभेदों को भुला दें और मिलजुल कर देश को बचाने के लिए काम करें। मैं भी समझता हूं कि बंटवारे का फैसला मान लिया जाए। जो भाई हमसे जुदा हो जाएंगे उनसे मैं यही कहूंगा कि भाई यह कागज पर खिंची हुई लकीरें हैं जो हमारे दिलों का बंटवारा नहीं कर सकती, और मुझे यकीन है वक्त के साथ साथ ये लकीरें भी मिट जाएंगी। डर इस बात का नहीं है कि कितनी जाने जाएंगी या कितनी औरतें विधवा हो जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे या कितने घर जला दिए जाएंगे, कितनी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। डर तो इस बात का है कि यदि हम इसी तरह मार काट करते रहे तो एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हम सब लोग आदमखोर हो जाएंगे। सोचना यह नहीं है कि हमने क्या गवाया, बल्कि देखना यह है कि हम कितना बचा पाए। अब देश का कम से कम 80-85% हिस्सा हमारे पास है और हम उसका विकास अपने हिसाब से और अपनी प्रतिभा से करेंगे। मुल्क में जो आज हो रहा है वो हमारे दिलों को दहला देने के लिए काफी है। देश की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस ने अपनी शक्ति भर कोशिश कर ली, बड़े से बड़ा बलिदान किया, पर अब और समय नहीं है। अब या तो हम इस प्रस्ताव को मान लें और या देश की बर्बादी का तमाशा देखें। यह सच है कि कांग्रेस देश के बंटवारे का विरोध करती रही है, और खास तौर पर मैं तो इसका कड़ा विरोध करता रहा हूं शुरू से ही। फिर भी आज मैं आपसे कह रहा हूं कि यह प्रस्ताव मान लिया जाए। कभी कभी मजबूरी में ऐसे भी निर्णय लेने पड़ते हैं जो कड़वे भी होते हैं, दुखदायी भी। और बंटवारे के बाद हमारा क्या होगा ये किसी ने नहीं सोचा। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं खुदाई खिदमतकारों को? सब हंसेंगे हम पर, उंगली उठाएंगे, देख लिया कांग्रेस का साथ देने का अंजाम। तारीख के पन्नों पर स्याह लफ्जों से ये इबारत लिखी जाएगी, दोस्तों ने धोखा दिया है, कांग्रेस ने फ्रंटियर की पीठ पर छुरा घोंपा है। हम तो कहीं के नहीं रहे, हम तो बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। मैं पाकिस्तान का शहंशाह नहीं, बस एक सिपाही। सिर्फ हमें ही नहीं
आज पूरी दुनिया को इस बात का ताज्जुब है कि पाकिस्तान का ये ख्वाब हकीकत कैसे बनने जा रहा है। लेकिन अब इस ख्वाब को हकीकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो प्लान जो चंद दिनों बाद दो अलग अलग और आजाद मुल्कों की शक्ल ले रहा है, एक ऐसा जबरदस्त और तूफानी इनकलाब है जिसकी मिसाल दुनिया की तवारीख में कहीं नहीं मिलेगी। क्या हुआ? वो मेरी जान लेना चाहते थे। जनरल, इस बंटवारे की कार्रवाई के लिए सिर्फ 73 दिन बाकी हैं। योर एक्सीलेंसी, इस बंटवारे से जो दो मुल्क पैदा हो रहे हैं, मेरी राय में उनके नाम हिंदुस्तान और पाकिस्तान रखे जाने चाहिए। मिस्टर जिना, दो मुल्क पैदा नहीं हो रहे हैं, बल्कि एक मुल्क से एक छोटा सा टुकड़ा अलग हो रहा है। मुस्लिम लीग अपने टुकड़े का नाम जो देना चाहती वो दे सकती है। इस देश का नाम इंडिया है और इंडिया ही रहेगा। योर एक्सीलेंसी, वक्त बहुत कम है, इसलिए बहुत जरूरी हो गया है कि रियासतों के मसले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। रियासतें अपने आप में पूरी तरह से आजाद हैं, उन्हें अपने साथ जुड़ने पर ना आप मजबूर कर सकते हैं ना। मिस्टर जिन्ना, ये सच है कि मिशन प्लान के तहत उन्हें मजबूर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जब तक सही बंदोबस्त नहीं हो जाता वो अपने आप को आजाद घोषित नहीं कर सकते। आप भूल रहे हैं मिस्टर नेहरू, उनकी अपनी हुकूमत है, वो खुद मुख्तार है। खुद मुख्तार है किस लिए? आपस में लड़ मरने के लिए? खुद मुख्तार वो होता है मिस्टर जिन्ना जो अपने पैरों पर खड़ा रह सके, जो दूसरे देशों के साथ संबंध बना सके, बाहर के हमलों का मुकाबला कर सके। हमारे यहाँ 562 रियासतें हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इस लायक नहीं है। मेरे ख्याल से रियासतों को ये मसला सुलझाने के लिए एक अलग से स्टेट्स डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। हमारी गारंटी सिर्फ 15 अगस्त तक की है। अब समझदारी इसी में है कि समय को देखकर समझ से काम लीजिए। आप हमें धमकी दे रहे हैं? नहीं, याद दिला रहा हूं। कोचिन, बड़ौदा, पटियाला और बीकानेर संविधान सभा में आ गए हैं। फिर तो हमारे साथ जुड़ भी जाएंगे, लेकिन ये भोपाल ने अपने आप को आजाद घोषित करके बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। पर सरदार, कुछ और बड़ी रियासतें भी प्रॉब्लम कर रही हैं। ट्रावनकोर ने तो अपना ट्रेड एजेंट भी पाकिस्तान भेज दिया है। उधर हैदराबाद के निजाम ये दावा करते फिर रहे हैं कि 15 अगस्त से वो आजाद मुल्क का दर्जा हासिल कर लेंगे। बंटवारे की कार्रवाई जब तक सरंजाम नहीं हो जाती, हम चाहते हैं कि फौज अंग्रेजी हुकूमत की देखरेख ही में काम करे। जिस मुल्क के पास अपनी फौज नहीं वो मुल्क कैसा? 15 अगस्त से पहले पाकिस्तान की फौज सरहद के उस पार पहुंच जानी चाहिए। हम भी यही चाहते हैं। लेकिन 15 अगस्त के बाद कश्मीर का क्या होगा? देखिए, हम तो आप पर कोई भी दबाव नहीं डाल रहे हैं। आप कश्मीर के प्रधानमंत्री हैं, अपने महाराजा से कहिए कि अगर वो इंडिया के साथ आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, अगर वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। What next? The unique institutions. Yes. सर, देश के कुछ खास संस्थान ऐसे हैं जैसे छापेखाने, टकसाल, हथियार बनाने के कारखाने, हॉस्पिटल्स, बड़ी प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, जिन्हें बांटा नहीं जा सकता। इन्हें किसी दूसरी जगह पहुंचाना या आधा आधा बांटना पॉसिबल नहीं है सर। लेकिन सर, इन सब चीजों के बगैर एक नया मुल्क किस तरह से अपना काम चलाएगा? पाकिस्तान को इन यूनिक इंस्टीट्यूशन में से उसका हिस्सा मिलना ही चाहिए। सर, ये इंस्टीट्यूशंस हमारी आज की जरूरतों के लिए भी कम है। अगर इन्हें दोनों में बांट दिया गया तो ये किसी के भी काम के नहीं रहेंगे। पर पाकिस्तान की जरूरतों का क्या होगा? जब तक आपके वहाँ इसका बंदोबस्त नहीं हो जाता, तब तक ये संस्थाएं आपकी भी जरूरतें पूरी करती रहेंगी। तो फिर आप हमसे क्या चाहते हैं? आपका आशीर्वाद चाहिए। आप जैसे कितने और महाराजाओं ने जो हमारा साथ दिया है, उसका यह नतीजा है कि हम एक महान राष्ट्र की स्थापना करने में लगे हैं। और बाकी सभी चीजों के साथ साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी बंटवारा होना चाहिए। ये नहीं होगा। देश का बंटवारा हो सकता है मिस्टर जिना, उसके राज नहीं बांटे जा सकते। और बंटवारे के बाद तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम और भी बढ़ जाएगा। सर, ये इंडिया से अलग आप हो रहे हैं,
आप अपना इंटेलिजेंस ब्यूरो खुद बनाइए। हम अपने मुल्क के अंदर क्या करते हैं इससे आपको कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान अपने हिस्से का एयरफोर्स मांग रहा है और वो लेकर रहेगा। अपने बलूच और पठान भाइयों पर हमला करने के लिए हम पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकते। इस वक्त एयरफोर्स का कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन आप रातों रात हमें भिखारी बनाकर सड़क पर नहीं ला सकते। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हिंदुस्तानी सरकार आप जैसे राजवंशों का पूरा ख्याल रखेगी। आपके महल, नौकर चाकर, सारी संपत्ति आपके साथ ही रहेगी। लेकिन हमारी रोजमर्रा की जरूरतों में जो खर्च होता है उसका क्या होगा? उसके लिए एक निश्चित रकम आपको प्रीवी पर्स के तौर पे मिलेगी, टैक्स फ्री। क्योंकि दो देश बनने हैं इसलिए यही वाजिब है कि हिंदुस्तान के 200 करोड़ रुपए का कैश रिजर्व भी आधा आधा बांट लिया जाए। रोकड़े का बंटवारा करते समय दोनों देशों की जनसंख्या और क्षेत्रफल को भी ध्यान में रखना चाहिए। बाकी रे आधे आधे की बात मिस्टर जिन्ना, वो तो हम कभी नहीं मान सकते। लेकिन योर एक्सेलेंसी, अपने इस बचे हुए फाइनेंशियल ईयर को चलाने के लिए पाकिस्तान को कम से कम 100 करोड़ रुपए तो लगेगा। योर एक्सेलेंसी, हम पाकिस्तान को सिर्फ 75 करोड़ रुपए दे सकते हैं, 20 अभी और बाकी के 55 सब हिसाब होने के बाद में। ये नहीं हो सकता, नवाब साहब इसे कभी नहीं मानेंगे। तो आप क्या समझते हैं ये सब इतना आसान है? हम भी देखते हैं आपके नवाब साहब इस पर दस्तखत कैसे नहीं करते। और जाकर कह देना उनसे कि जब उनकी प्रजा ही उनके खिलाफ हो जाएगी तब मिस्टर जिन्ना भी उनको मदद नहीं कर पाएंगे। जाइए। आप देख रहे हैं मिस्टर पटेल, हमारी फलों की बास्केट कितनी आसानी से भरती चली आ रही है। योर एक्सेलेंसी, मुझे तो तब तसल्ली होगी जब ये पेड़ के सारे 565 फल ये टोकरी में जमा हो जाए। वेल मिस्टर पटेल, मैं सबका वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर 4-5 फल कम रह जाएं तो हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। जेंटलमैन, बजाय इस तरह उलझने के मेरी दरखास्त है कि आप समझौते पर आने की कोशिश करें। योर एक्सेलेंसी, पाकिस्तान हिंदुस्तान के 200 करोड़ रुपए के पब्लिक डेब्ट का भार अपने ऊपर हरगिज नहीं लेगा। बिना गुटली का आम आम नहीं होता मिस्टर जिन्ना। हिंदुस्तान की मिल्कत में अगर हिस्सा चाहिए तो उसके कर्ज का बोझ भी तो उठाना पड़ेगा ना। जेंटलमैन, अगर 15 अगस्त से पहले पब्लिक डेट का फैसला नहीं होता तो इंडियन सिक्योरिटीज की वैल्यू बुरी तरह गिर जाएगी और फिर दोनों देशों की सरकारों की साख पर बुरा असर पड़ेगा। सर, ज्यादातर लोग जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कर्ज दिया था अब भी हमारी सीमाओं में रहते हैं। तो सर जरा सोच कर देखिए, अपने ही देश के लोगों को अगर अपने ही पैसों के लिए पाकिस्तान के भरोसे रहना पड़े तो तकलीफ किसे होगी, हमारे ही लोगों को ना। इससे तो बेहतर यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारे कर्ज का बोझ अपने ही सर पर ले ले। तो पाकिस्तान के हिस्से का क्या होगा? उसे यूं मान लेते हैं जैसे पाकिस्तान ने इंडिया से उतना पैसा उधार लिया जिसे वो धीरे धीरे किश्तों में उतार दे। सर, सारी दुनिया की निगाहें इस वक्त अपने देश के ऊपर लगी हैं, हम क्यों ना थोड़ी सी उदारता दिखाएं। कभी कभी मैं खुद को सवाल करता हूं, अच्छा मैं यहां पे क्यों हूं और क्या कर रहा हूं, और जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं या नहीं। अगर ठीक है तो आने वाले लोग हमें दुआएं देंगे, अगर गलत है तो गालियां मिलेंगी। कोई नहीं सोचेगा कि कितनी ईमानदारी से देश की सेवा की, कोई नहीं समझेगा कि ये हालात में यही करना उचित था। वो तो कहेंगे कि मिट्टी डालो आपकी ईमानदारी पर, आपके हालात पर, हमको क्या दिया और अब थे कौन हमारे बारे में फैसला करने वाले। और तब मेरी नींद उड़ जाती। तुम्हें नींद आती है हरी भाई? वेल सर, मैं तो थकी इतना जाता हूं कि बिस्तर पर पड़ते ही नींद आ जाती है, और एक बार सोया तो पता ही नहीं लगता सुबह कब हो गई। नसीब वाले हो, मुझे तो आज की रात ये पब्लिक डेट ही जगा के रखेगा।
बैंकों में रकम, बचे हुए पाउंड स्टर्लिंग, सोना, विदेशी कर्ज, किताबें, छापेखाने, अंग्रेजी हुकूमत की जायदाद, जंग में शहीद लोगों की पेंशन और बहुत हो गई बहस, कभी तो भरोसा करना होगा। चौधरी मोहम्मद अली और एच एम पटेल दोनों काबिल ऑफिसर हैं, मुझे उन दोनों पर पूरा भरोसा है। ये दोनों जो भी तय करेंगे वो मैं मानने के लिए तैयार हूं। मेरा सुझाव यह है कि बंटवारे की बाकी की जिम्मेदारी इन दोनों पे छोड़ दी जाए। मुझे मंजूर है। आप लोग एक काम कीजिए, अब वो कमरे में चले जाइए और अपने आप को बंद कर दीजिए और ये पूरा काम निपटा कर ही बाहर निकलिए। जाइए। ओके सर, आइए। सो मिस्टर पटेल, अब कैसी लग रही है फलों की टोकरी? लगती तो भरी भरी है, लेकिन कुछ बड़े फल नजर नहीं आ रहे हैं। भोपाल, जूनागढ़, हैदराबाद, वो भी आ जाए तो बात बने। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। कल हम सदियों की गुलामी से आजाद हो जाएंगे, मगर इस आजादी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है हमें। आज रात हमारे देश के दो टुकड़े हो जाएंगे। कल एक तरफ हम खुशियां मना रहे होंगे, मगर हमारी आंखों में आंसू होंगे। कभी सोचा भी नहीं था कि आजादी की इतनी बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। इतनी हिंसा, इतना खून खराबा, लोग पागल हो गए। दिल्ली अगर हाथ से निकल गई तो सारा देश बिखर जाएगा।
मैन सर, हम दो आदमी, वो सब इतने लोग। Give me that. Hey, हटो, stop this. हटो, get back. रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ, हटो, हटो पीछे, हटो, हटो. Hey, ये क्या कर रहे हो तुम? गरीबों की इस तरह से मदद की जाती है? हमें मालूम नहीं था कि हम चोरों और डाकुओं को सहारा दे रहे हैं। आप हमें भाषण दे रहे हैं? सुनो तो भैया, आपको पता भी हम पर क्या गुजरी है? अपनी करतूतों को सही साबित करना चाहता है, शर्म नहीं आती तुझे? तो मार डालो मुझे। इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या होगी कि मैं अपने प्रधानमंत्री के हाथों मरूं। देखो, जो हुआ है उसका हमें भी रंज है, लेकिन जिन मुसलमानों को तुमने मारा है उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जरा इंसाफ की बात करो। माँ बहनों की इज्जत तोड़ी हम नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे लोगों की हिफाजत के लिए बैठे हैं, और जो लोग सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है अगर वही लोग हिंसा भड़काएंगे तो कहां जाएगा ये देश? मैं किसी भी किस्म की लापरवाही सहन नहीं करूंगा। जो भी अफसर पक्षपात करता हुआ नजर आए हटाओ उसको। उस पार से शरणार्थियों के जत्थे लगातार इंडिया आते जा रहे हैं। पंजाब में नरवल से डेरा बाबा नानक, लाहौर से अमृतसर, कसूर से फिरोजपुर, मोंटगोमरी से फाजिलका, और राजस्थान में बहावलपुर से बीकानेर, मीरपुर खास से जोधपुर। अभी तक 10 लाख रिफ्यूजी इस तरफ आ चुके हैं और दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो अगले कुछ ही दिनों में इनकी संख्या बढ़कर 45 लाख हो जाएगी। सर, सबसे पहले हमारे पास दो काम है। एक तो ये कि देश में हिंसा को किसी भी हालत में फैलने से रोकना, और दूसरा आने वाले भाइयों के लिए रेफ्यूजी कैंप बनाना, उनके रहने खाने पीने और सुरक्षा का बंदोबस्त करना। इसके लिए सरकारी मशीनरी को दिन रात काम करना होगा। राशन फौरन पहुंचना चाहिए। What? दिल्ली से जो भी ट्रक या गाड़ी निकले उसे जब्त कर लो। यस यस, सड़कों पे जो लाशें सड़ रही हैं उन्हें फौरन हटवाइए। जल्दी कीजिए वरना महामारी फैलने का डर है। सर, हमारे पास आदमियों की सख्त कमी है। सिविल सर्विसेज के ट्रेनीज और जो लोग छुट्टी पर गए उन्हें वापस बुलाइए इमीडिएटली। वॉलंटरी फोर्स खड़ी कीजिए, कोई काम रुकना नहीं चाहिए। ओके सर। यस जेंटलमैन। बाग में पानी के और टैंकर्स का इंतजाम कीजिए। और आप सर, जी लाइट सर। हाँ सर, अभी अभी कुछ लोगों ने एक आदमी को कश्मीरी गेट पर जिंदा जला दिया। तुम क्या कर रहे थे? समझ में देख रहे थे? भाग आए आप? जाओ कुछ करो, रोको इस पागलपन को।
हाँ हाँ, निजामुद्दीन दरगाह पे हमले का अंदेशा है। लोग वहां जमा हो गए, कह रहे हैं पुलिस से भरोसा उठ गया है। अच्छा हुआ, कम से कम एक भाई ने तो गुस्सा थूक दिया। चलिए हटिए, रास्ता छोड़िए, हटिए, पीछे पीछे हटिए। इन लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यहां के हालात की रिपोर्ट मुझे बराबर मिलने चाहिए। अगर इन लोगों को कुछ हो गया तो याद रखना, तुम्हारी भी खैर नहीं। यस सर। रेड क्लिफ अवार्ड ने हम सिखों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। लायलपुर, लाहौर, मिंटकुमरी, ये कैसे पाकिस्तान को दिए जा सकते हैं? भाई ननकाना साहब और पंजा साहब को कैसे सिखों से छीना जा सकता है? देखो भाई, ये रेड क्लिफ अवार्ड के इस बंटवारे से मैं भी खुश नहीं है। पंजाबी नहीं, बंगाल में भी हमने बहुत कुछ गंवाया है, लेकिन ये समय इन सब बातों का नहीं है। इस वक्त तो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये नई सरहद के दोनों ओर जो मारकाट मच रही है उसको किस तरह से रोका जाए। मेरे विचार से तो हम सबकी भलाई इसी में है कि जितना जल्दी हो सके हम अपने 12 लाख हिंदू और सिख रिफ्यूजी भाइयों को यहाँ पर सुरक्षा से ले आए। लेकिन इसके लिए ये भी जरूरी है कि यहाँ पे जो 10 लाख मुसलमान भाई है वो भी सही सलामत पाकिस्तान पहुंचे। और मगर पाकिस्तान से आने वाले काफलों में सबसे ज्यादा कटे हुए सर हमारे सिख भाइयों के होते हैं। अगर वो लोग मारकाट बंद कर दे तो हम भी बंद कर देंगे। देखिए, इस तरह तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा। अगर ये खून खराबा रोकना है तो किसी न किसी को तो पहल करनी ही पड़ेगी ना। और अगर उसके बाद भी कुछ ना हुआ तो? वहाँ पर हमारे भाइयों का कत्लेआम यूं ही होता रहा और लाशों से भरी रेलगाड़ियां यूं ही आती रही तो? देखिए, कम से कम एक हफ्ते के लिए तो कोशिश करके देखें। अगर फिर भी उनकी तरफ से कोई परिणाम सामने नहीं आते हैं तो हम भी बहुत ही सख्त रवैया अपनाएंगे, ये मैं आपको वचन देता हूँ। मगर आप लोगों को भी मुझे यही वचन देना होगा कि यहां से जाने वाले मुसलमान भाइयों पर कोई ज्यादति नहीं होगी। कौन बुलाओ? कैसी बातें करते हैं आप लोग? एक पाकिस्तान मांगने से क्या हुआ, उसका नतीजा आप लोग नहीं देख रहे? इस तरह हर आदमी अपना अपना अलग सिखिस्तान, जाटिस्तान, खालिस्तान मांगने लगा तो यह देश कब का एक पागलिस्तान बन जाएगा।
मुझे अच्छी तरह याद है कुछ साल पहले यहाँ अमृतसर में हमने जलियांवाला बाग के शहीदों के लिए स्मारक बनाने की बात की थी, और मैं ये भी नहीं बुलाऊं कि हिंदू मुसलमान सिख हम सब ने मिलकर लाहौर में इस देश को स्वाधीन करने की सौगंध खाई थी। पर ना तो अमृतसर में कोई मुसलमान खुलेआम घूम सकता है और ना ही लाहौर में कोई हिंदू या सिख। आप लोगों की कौम तो बहादुर लोगों की कौम है, निहत्थे को मारना आप लोगों को शोभा नहीं देता। डरपोक आदमी ही निहत्थे औरत बच्चों और बूढ़ों पर हमला करता है, और जो आपकी शरण में आया है उसको मारना ये कहां का न्याय है? और अगर न्याय की जरूरत है तो हम पाकिस्तान के साथ युद्ध करने के लिए भी तैयार है, लेकिन ये बिना मतलब की हिंसा को फौरन रोक देना होगा। अगर ये वातावरण नहीं बदला, अगर पाकिस्तान जाने वाले निर्दोष बूढ़े बच्चे और औरतों का कत्लेआम नहीं रोका, तो इसका अंजाम ये होगा कि पश्चिमी पंजाब से आने वाले हमारे भाइयों बहनों को ये सब भुगतना पड़ेगा कि जो बेचारे बेघर होकर भूखे प्यासे हजारों तकलीफें झेलते हुए यहाँ पे ये आशा में आ रहे हैं कि यहाँ पे उनको घर बार मिलेगा, उनको शांति मिलेगी, उनको उन्नति का मौका मिलेगा। हमको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से उनकी उम्मीद की यह आखिरी किरण भी छिन जाए। मुझे यहां कहां ले आए सरदार? आज से आप बिरला हाउस में रहेंगे, बस्ती में नहीं। क्यों? मैं कोई सेठ साहूकार राजा महाराजा तो हूं नहीं, मैं यहां नहीं रह सकता सरदार। बापू, पंजाब से जो शरणार्थी आए हैं उससे पूरी बस्ती भरी हुई है, अगर आप वहां रहने जाएंगे तो मुझे उन लोगों को निकालना पड़ेगा। तो मैं उनके साथ रह लूंगा। देखिए, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरे देश की है, अगर आपको कुछ हो गया ना तो लोग मुझे सूली पे चढ़ा देंगे। कुछ ही दिनों की तो बात है बापू। आई कैसे हो जवाहर? सब परेशान है बापू। दिल्ली में 24 घंटे का कर्फ्यू लगा है, फौज बुलानी पड़ी है। मैंने देखा। इसको नमक के पानी में डुबा के रखो, बाद में धूप में रख देना। भाई की चिट्ठी है। डायकी, क्या लिखा है? वो दिल्ली आ रहा है। क्यों? सरकार में कुछ बिजनेस का काम है उनका। देखो, उसको लिख दो, जब तक मैं सरकारी योद्धे पर हूं वो दिल्ली न आया करे। लोग तरह तरह का फायदा उठाने के लिए उसे मेलजोल बढ़ाते रहेंगे, सावध रहना चाहिए उसको। बस अब बहुत हो गया। अंग्रेजों के इस खास दोस्त के लिए हमने अब तक बड़ी धीरज से काम लिया। बस मेरी दरखास्त है आपसे कि बातचीत इस मकाम पर मत तोड़िए। हम चाहते हैं कि किसी तरह हैदराबाद के साथ भी समझौता हो जाए। लेकिन आखिर कब तक सहन करेगा कोई? निजाम और रजाकार मनमानी करते हैं, कत्लेआम, लूट मार। ये 145 बार हमारी सीमा में घुसपैठ, 325 लोगों की हत्या, 12 रेलगाड़ियों पर हमला और 1.5 करोड़ से भी ज्यादा रुपयों की लूट। क्या ये ऐसा लगता है कि हैदराबाद में दिन में रजाकार राज करते हैं और रात को कम्युनिस्ट? हिंदुस्तानी फौजों ने भी तो हैदराबाद के इलाकों में घुसपैठ की है। ये झूठ है। हम हर दिन यहाँ पे नए डेलीगेशन को मिलते रहते हैं और वहां हैदराबाद के हवाई अड्डे पर पाकिस्तानी गोला बारूद और हथियार उतारे जाते हैं। मैं तो कहता हूं इन डेलीगेशनों को हवाई अड्डे पर से ही वापस भेज देना चाहिए। हमारी ख्वाहिश है कि हैदराबाद के स्पेशल स्टेटस का फैसला बिना किसी फौजी जदोजहद के हल हो जाए। स्टैंडस्टिल अग्रीमेंट के बारे में क्या ख्याल है आपका? योर एक्सीलेंसी, हमें पूरा यकीन है कि निजाम साहब इस दस्तावेज पर दस्तखत करने के लिए राजी हो जाएंगे। फिर तो हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए।
जूनागढ़ की 80% आबादी हिंदू है। इसके तीन तरफ हिंदुस्तान और चौथी तरफ समुन्दर है और 300 मील दूर पाकिस्तान है। फिर कैसे नवाब मोहम्मद खां और दीवान भुट्टो जूनागढ़ को पाकिस्तान को सौंपने की सोच सकते हैं, और कैसे मिस्टर जीना अपनी टू नेशन थियरी के बावजूद इसे कबूल कर सकते हैं। असल में रियासतों की ये शतरंज में जूनागढ़ तो एक प्यादा है। मिस्टर जीना की नजर तो हैदराबाद और कश्मीर पे है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि जूनागढ़ का फैसला नवाब नहीं वहां की जनता करे, तो जीना कश्मीर के लिए भी यही चाहेंगे। हाँ तो ठीक है, पर तब उन्हें हैदराबाद में भी वहां की जनता के पास जाना होगा, और मुझे मालूम है कि मिस्टर जीना इसके लिए कभी तैयार नहीं होंगे। हमें यह डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जरा सी बात पर जंग छिड़ जाए। अगर जूनागढ़ हाथ से चला गया तो सिर्फ काठियावाड़ में ही नहीं पूरे देश में खलबली मच जाएगी। लेकिन मिस्टर पटेल, फौज जूनागढ़ में दाखिल नहीं होगी। वीपी मेनन जाएंगे, नवाब के साथ बात करेंगे, उनको समझाएंगे, फिर भी वो नहीं मानते हैं तो मिस्टर जीना को ये जूनागढ़ वाली चाल बहुत महंगी पड़ेगी। हिंदुस्तान की फौज आपकी सुरक्षा के लिए आपकी मर्जी से यहां पर आई है, ताकि आप लोगों पर कोई जोर जबरदस्ती न कर सके, आपकी इच्छा के विरुद्ध काम न करवा सके, अपनी बात न मनवा सके। और जब ये फौज जूनागढ़ छोड़कर जाएगी तो जूनागढ़ की जनता के लिए उपहार देकर जाएगी, और वो होगा जनता की सरकार, बाहर की जबरदस्ती की लादी हुई सरकार नहीं, आपकी अपनी सरकार। मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या चाहते हैं। किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। जो लोग भारत में रहना चाहते हैं वो लोग भारत में रहें, और जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो लोग पाकिस्तान चले जाएं। जो लोग भारत में रहना चाहते हैं वो अपना हाथ ऊपर उठाए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आपके निर्णय को कोई नहीं बदल सकता। तो एक प्रतीक है यहां के प्राचीन गौरव का। इसका बार बार टूटना और बनना इस बात का साक्षी है कि संस्कृतियां किसी के मिटाए नहीं मिटती। सरदार साहब, अगर यहां मंदिर बनेगा तो अयोध्या, काशी और मथुरा का क्या होगा? देखिए, यहां पर मंदिर बनाने के लिए किसी की मस्जिद गिराने की जरूरत नहीं है, और अयोध्या, काशी, मथुरा की तो बात ही और है। वहां के मसले को एक दूसरे की भावनाओं को ठेस लगाए बगैर आपसी बातचीत और समझबूझ से ही सुलझाया जा सकता है। सर, रेलवे को हमने जो शरणार्थियों की परेशानी के बारे में लिखा था उसका ये जवाब आया है। मथाई जी बहुत नाराज हैं। क्या लिखा है? लिखा है हमें, मतलब आपको, देश की कानून और व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए, ना कि औरों को यह बताने में कि मिनिस्ट्री कैसे चलाई जाती है। क्या करना है सर इसका? फाइल करो और भूल जाओ।
ओके सर। सर वो हैदराबाद से कासिम रिजवी आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। कहाँ ठहरे हैं वो? दिल्ली के बहुत ही घटिया होटल में। उनके सेक्रेटरी ने मुझे फोन किया था। वो हिंदू है, गुजराती। जी हाँ, वो तो मुझे फोन पर ही धमकी दे रहा था। अच्छा, क्या बोल रहे थे वो? कह रहा था कि अपने सरदार को समझा देना, उनके ये दांव पेच हम पर नहीं चलने वाले। जरूर पीछे से रिजवी पंप कर रहे होंगे। सर आपको उनसे नहीं मिलना चाहिए। मैं उनसे मिलूंगा, उन्हें कोई सरकारी गेस्ट हाउस में आराम से ठहराओ, कल रात को घर पर खाने पे बुला लेना। यस सर। और सुनो, बहुत ही आदर के साथ लीजिए। लीजिए? ये खास तौर पे मैंने आपके लिए मंगवाए हैं। मैंने सुना है आपका जो सेक्रेटरी है वो गुजराती है। जी हाँ। और मैं चाहूं तो कश्मीरी पंडित भी नौकर रख सकता हूं मिस्टर पटेल। बीवियां कितनी है? दो। और मैं जितनी चाहूं उतनी रख सकता हूं। बच्चे? छह। लेकिन आप कान खोलकर सुन लीजिए, आपकी ये चालें हैदराबाद में नहीं चलेंगी। वहां के मुसलमान जान हथेली पे लेकर घूम रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो हैदराबाद। बैठ जाइए, बैठ जाइए। जी शुक्रिया। और दूसरी बात ये। खड़े होकर नहीं। लेकिन ये कोई पब्लिक मीटिंग थोड़ी है रिजवी भाई, बैठ जाइए आराम से। हमें बैठकर बोलने की आदत नहीं। अब डालिए, देखिए आप कह पाएंगे, कोशिश कीजिए। और अगर हम खड़े होकर बोले तो? नहीं, आप बैठकर ही बात करेंगे। आपको मैं बहुत वक्त दूंगा, आप आराम से कहिए। और यहां पर मेरे अलावा आपको सुनने वाला तो कोई है नहीं, फिर डर कैसा? थूक दान दो, जो कहना है वो इत्मीनान से कहिए। बोलिए। ये हिंदुस्तानी सरकार अपने आप को समझती क्या है? देखिए, हम आपको ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे आप जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। आसमान में जब तक चांद सितारे चमकते रहेंगे, हैदराबाद आजाद रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और निजाम साहब की बात और है, वो खुदा के वली, उनके लिए हम अपनी जान दे सकते हैं। हिंदुस्तानी फौजों को हैदराबाद में दाखिल होने से पहले उन्हें हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना होगा। और इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि मरने वालों में सिर्फ हम ही हों। 1,40,00,000 हिंदुओं को इससे पहले मरना होगा। बोल लिया। आपने कहा कि आप 1,40,00,000 हिंदुओं को मरवा देंगे। हाँ, अगर हमें मजबूर किया गया तो। अच्छा, उस वक्त हम क्या कर रहे होंगे? हमें क्या मालूम? तो मालूम हो जाना चाहिए। आप सोचिए हम क्या क्या कर सकते हैं। आप हमें धमकी दे रहे हैं? आप हमें जबरदस्ती रोक नहीं सकते हैं? अरे कौन रोक रहा है? और वैसे भी कल सुबह हवाई जहाज से आप हैदराबाद रवाना कर ही दिए जाओगे, और मुझे उम्मीद है कि आप सही सलामती पहुंचोगे। आपके निजाम को मेरा सलाम कहना, और कहना कि मैं चाहता हूं कि उनकी और उनके परिवार की सेहत अच्छी रहे। और ये भी कहना कि जब कभी वो अपनी प्रजा को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचे, तब वो अपने बारे में भी सोच लें, अपने बाल बच्चों के बारे में, अपनी जमीन जायदाद के बारे में, अपनी बेहिसाब दौलत के बारे में। जाइए।
गंभीर है। कबायली घुसपैठियों और रियासत की फौजी टुकड़ियों के बीच यहाँ उरी के पास लड़ाई जारी है। गिलगित पर वो कब्जा कर चुके हैं और श्रीनगर को बिजली सप्लाई करने वाला मोहरा पावर हाउस तबाह किया जा चुका है। कबायली बारामूला तक पहुंच चुके हैं जो श्रीनगर से सिर्फ 35 मील दूर है। हमने बहुत देर कर दी, हमें 15 दिन पहले ही मदद भेज देनी चाहिए थी। मिस्टर नेहरू, ना हम 15 दिन पहले कुछ कर सकते थे और ना अब। जब तक महाराजा हरि सिंह एक्सेशन पेपर्स पर दस्तखत नहीं कर देते हैं हम मजबूर हैं। योर एक्सेलेंसी, अगर महाराजा हरि सिंह को तय नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करें? देखते रहें कश्मीर को पूरी तरह से तबाह हो जाने? मिस्टर नेहरू, मिस्टर नेहरू, जब तक कानूनन महाराजा इंडिया के साथ जोड़ नहीं जाते हम कोई दखल नहीं दे सकते। योर एक्सीलेंसी, कश्मीर जाने के लिए बनिहाल पास एक ही रास्ता है और अगर 2-3 दिन में कबायलियों ने उस पर कब्जा नहीं किया तो भी एक हफ्ते के अंदर रास्ता बर्फ से ढक जाएगा और अगले 24 घंटों के अंदर अगर कबायलियों ने श्रीनगर के हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया तो कश्मीर हमारे हाथ से जाता रहेगा। फौज भेजने का मतलब है ऐलान जंग और ये मुल्क अभी तक अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हुआ है। इस वक्त जंग का बोझ बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। योर एक्सीलेंसी, अभी अभी खबर आई है कि महाराजा हरि सिंह श्रीनगर से सही सलामत जम्मू पहुंच चुके हैं और एक्सेशन पेपर्स पर दस्तखत करने के लिए राजी हैं। चलो, देर आए दुरुस्त आए। इस खबर ने सब कुछ बदल डाला। अब फौज भेजी जा सकती है। योर एक्सीलेंसी, हमारी फौज पंजाब में दंगे रोकने के काम में लगी हुई है। उसे फौरन इकट्ठा करना मुश्किल है और फिर उसे कश्मीर भेजेंगे कैसे? इतने प्लेन्स कहां पर हैं? इतने पायलट कहां से आएंगे? कश्मीर बचाना है हर हाल में, किसी भी कीमत पर। जो भी जरूरी है वो किया जाएगा। आप बड़े थके हुए लग रहे हैं। आपको भी आराम की जरूरत है। कैसी तबीयत है जवाहर? पहले से बेहतर है। जिना ने हम दोनों को लाहौर आने की दावत दी है। क्या ख्याल है आपका? चलता तो, लेकिन डॉक्टर इजाजत ही नहीं देते, इसीलिए मैंने उनको यहां आने की दावत दे दी। और जिना ने कहा होगा ना, इसीलिए आप चाहते हैं कि जवाहर कह दे हाँ। अगर मोहम्मद माउंटेन के पास नहीं जाता तो जवाहर को जिन्ना के पास जाना चाहिए। मैं इनकी तो नहीं जानता मगर कैबिनेट इस बात के खिलाफ है। फिर तो हमको अकेले ही जाना होगा। मैं इसको इज्जत का सवाल नहीं बनाऊंगा। क्यों? जैसे ये हमारे प्रधानमंत्री है वैसे आप भी हमारे गवर्नर जनरल हैं। लेकिन मिस्टर पटेल, जरा सी भूल दो मुल्क को तबाह कर सकती है। इसकी बहुत बड़ी कीमत हमको चुकानी पड़ेगी। स्वाभिमान की रक्षा के लिए कोई भी कीमत बड़ी नहीं होती। थैंक यू। पर मेरी समझ में यह नहीं आता कि मिस्टर जिन्ना को जनमत से क्या इतराज हो सकता है। मिस्टर जिन्ना का कहना है कि प्लेबिसाइट का सवाल ही पैदा नहीं होता। वहां की आबादी की मेजोरिटी को मद्देनजर रखते हुए कश्मीर का फैसला होना चाहिए। उन्होंने जूनागढ़ के नवाब का पाकिस्तान के साथ जाना मंजूर कर लिया।
ये जानते हुए भी कि वहां पर हिंदुओं की जनसंख्या अधिक है और हैदराबाद को लेकर उनका क्या खेल है? क्या उनको वहां की आबादी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम? और जब कश्मीर की बात उठती है तो उसे मुस्लिम मेजोरिटी के नाम पर हड़प कर लेना चाहते हैं। अब उन्हें कश्मीर भूल जाना चाहिए। जिन्ना साहब कहते हैं कि इंडियन आर्मी और शेख अब्दुल्ला के वहां होते हुए प्लेबिसाइट पर कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता। वहां के मौजूदा हालात में इस तरह के दबाव हैं कि कोई भी मुसलमान पाकिस्तान के हक में वोट देने की हिम्मत नहीं करेगा। सच तो ये है कि जिन्ना अच्छी तरह जानते हैं कि उनके कबायली घुसपैठियों ने कश्मीर में जो लूटपाट, बलात्कार और खून खराबा किया है, वो देखते हुए कोई भी कश्मीरी उनके साथ किसी भी हालत में जाना पसंद नहीं करेगा। पर आप उनसे कह सकते थे कि जन्मत तो किसी न्यूट्रल बॉडी की देखरेख में भी हो सकता है। मैंने यही कहा कि अगर वो चाहें तो ये काम यूएनओ की देखरेख में किया जा सकता है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें हर्ज भी क्या है? ये हमारी अंदरूनी समस्या है, उसको सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी और को बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं है। पंडित जी की रेडियो स्पीच सर। ब्रॉडकास्ट का समय क्या है? 6:30 बजे सर। अभी क्या टाइम हुआ? 6:15। मणि, जवाहर को फोन लगाओ। हमने कश्मीर में जनमत का वायदा किया है तो होगा, लेकिन अपने बच्चे के जन्म के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ से दाई बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। सरदार पंडित जी, क्या रेडियो स्टेशन चले गए? शंकर, गाड़ी निकालो। यस सर। तुम फौरन रेडियो स्टेशन जाकर उनको ये वाक्य पढ़ने से रोको कि जनमत का फैसला संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में होगा। जाओ सर। कश्मीर में जो संघर्ष हो रहा है वो हमलावरों के खिलाफ कश्मीर की जनता का संघर्ष है। जब वहां शांति स्थापित हो जाएगी, कबायली घुसपैठिए जब कश्मीर की धरती से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे, तब वहां यूनाइटेड नेशंस की देखरेख में जनमत कराने का हम वायदा करते हैं। जवाहर पछताएगा। नमस्ते। 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 वल्लभ भाई जवेर भाई पटेल, आपको किसी खास मुद्दे के बारे में बात करनी है? प्रधानमंत्री महोदय जी, मैं इस मेमोरेंडम के बारे में बात करना चाहूंगा। ये मेमोरेंडम के अनुसार मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में जो भी मकान खाली हुए हैं उसमें सिर्फ मुसलमानों को ही बसाया जाना चाहिए। गृह मंत्री होने के नाते आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा फर्ज है कि जो मुसलमान भाई डर के मारे यहां से चले जाना चाहते हैं उन्हें हम रोकें, और जो भाई जा चुके हैं उन्हें वापस बुलाने की कोशिश करें। वो सब ठीक है, लेकिन इस तरह से तो शहर में अलग अलग कौमों के घर बन जाएंगे और इससे कौमी दंगों का खतरा कम नहीं होगा बल्कि बढ़ जाएगा। लेकिन माइनॉरिटी कम्युनिटी के डर को हटाने के लिए यह जरूरी है, क्योंकि कट्टरपंथी हिंदू वहां के लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और जबरदस्ती उन्हें बस्ती के बाहर धकेल देते हैं। जबकि ज्यादातर होता है इसका उल्टा। पिछले हफ्ते ही हमारे 4 अफसरों को मुस्लिम इलाके से बुरी तरह से मारपीट कर भगा दिया गया। इस तरह से भेदभाव को बढ़ावा देना हमारी सुरक्षा नीति के खिलाफ है। मुस्लिम इलाके को मुस्लिम इलाका बनाए रखने के लिए बाहर से मुसलमानों को आयात तो नहीं किया जा सकता ना? इस बारे में हमारी बहस बहुत बार हो चुकी है। फिर भी मैं आपको याद दिलाना मेरा फर्ज समझता हूं कि एक धर्मनिरपेक्ष देश के अंदर संप्रदाय के आधार पर आबादी बसाने की नीति का मतलब होगा अपने ही सिद्धांतों को जड़ से काट कर फेंक देना। जो भी हो रहा है मेरे आदेशों पर हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि गृह मंत्रालय इसमें क्यों रुकावट डालना चाहता है। प्रधानमंत्री होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जो भी जरूरी होगा वो करना मेरा फर्ज है।
जबकि अजमेर की स्थिति के बारे में मैं आपको पहले से ही विस्तार से बता चुका था, तब भी आपके द्वारा आयंगर को वहां मुआयने पर भेजना गहरा आश्चर्य ही नहीं बल्कि दुख भी पैदा करता है। इससे तो यही साबित होता है कि न तो आपको मुझ पर विश्वास है और ना ही वहां के पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट पर। आप पर अविश्वास का प्रश्न ही नहीं उठता है, ना ही मुझे आपके काबिल अफसरों की योग्यता पर ही कोई संदेह है। लेकिन क्या किसी मातहत को कहीं भेजने के लिए मुझ पर रोक लगाई जा सकती है? क्या मैं अपने निर्णयों पर अमल करने के लिए आजाद नहीं हूं? वो दूसरी बात है कि हम दोनों एक दूसरे का बहुत आदर करते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमारे सोचने समझने के ढंग में, हमारे नजरिए में फर्क आ गया है, जिससे रोजमर्रा के कामकाज में रुकावटें आ रही हैं। ये स्पष्ट हो चुका है कि हमारे अपने अपने उत्तरदायित्व, अधिकार और कार्य से संबंधित आधारभूत प्रश्नों को लेकर हमारे बीच गहरे मतभेद उत्पन्न हो चुके हैं। इन्हें लेकर अब हमारा सरकार में एक साथ रहने का अर्थ होगा उस उद्देश्य का अहित जिसे लेकर कभी हम साथ साथ चले थे। अगर मुझे प्रधानमंत्री बने रहना है तो मेरे अधिकार मेरे साथ रहेंगे, वरना मेरे लिए यही उचित होगा कि मैं त्याग पत्र दे दूं। अगर त्याग पत्र देना है तो मुझे देना, आपको नहीं। मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी आप मुझे एक सार्थक सहकर्मी के रूप में देखना पसंद करेंगे। लेकिन मैं क्या करूं बापू, मैं बिगड़ी हुई मशीन चला रहा हूं, ना ही मैं उसको रातों रात ठीक कर सकता हूं, ना ही उसको कूड़े में फेंक सकता हूं और ना ही नई मशीन मंगा सकता हूं। मुझे इसी से काम चलाना पड़ रहा है और जो लोग हमारे साथ काम करते हैं उसमें से हर किसी का कोई ना कोई रिश्तेदार तो दंगे में मारा ही गया है। हमारी तरफ उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन इन हालात में हमारी तरह काम करना भी बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान को जब 55 करोड़ रुपया देने का वायदा किया था तब कश्मीर के अंदर लड़ाई नहीं चल रही थी। ये पैसा हमारे खिलाफ कश्मीर के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह कश्मीर का जो मसला है वो सुलझ जाए बाद में। नैतिक ईमान नैतिक ईमानदारी किन लोगों से, जिन्होंने हमारे पर हमला किया और उसको मानने के लिए भी तैयार नहीं है उनसे। मुझे पक्की खबर मिली है कि पाकिस्तान एक बार फिर से हमारे पे बड़ा हमला करने वाला है। मेरे कारण देश का नुकसान हो ये मैं नहीं सहन कर सकता। आप महात्मा हैं, मैं एक मामूली इंसान हूं। इस मोड़ पर पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया देने का सुझाव मैं नहीं मानूंगा। बापू, प्रार्थना सभा का प्रवचन पूरा हो गया? ये क्या बापू, आप तय कर चुके हैं? लेकिन भाई
में जा रहे हैं। बापू, अब बापू का प्रवचन पढ़ा जाएगा। पिछले कई दिनों से मेरी कमजोरी मुझे कचोड़ रही थी, इसलिए मैंने उपवास करने का निश्चय किया है। अपनी जान दे देने से ज्यादा एक सच्चा आदमी कर ही क्या सकता है। ये उपवास है आत्मशुद्धि के लिए, और आत्मशुद्धि से ही हिंसा को रोका जा सकता है, यही साबित करने के लिए मैंने ये कदम उठाया है। बापू, हम अपना फैसला बदल देंगे। पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया फौरन दे दिया जाएगा। अब तो उपवास तोड़ दीजिए। हिंसा अभी रुकी कहां है? मैं उपवास कैसे तोड़ सकता हूं? मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं बापू, काम का बोझ अब मुझसे नहीं संभल पा रहा। जवाहर ने तो बताया ही होगा कि अब मैं उनके किसी काम का नहीं रहा। मेरे कारण उनके काम में अड़चने ज्यादा आ रही है। मैं तो इस योग्य भी नहीं हूं कि आपको उपवास तोड़ने पर जोर दे सकूं। बस विनती कर सकता हूं कि आप अपना उपवास तोड़ दें। कल सुबह मैं काठियावाड़ जा रहा हूं। भारत को सौराष्ट्र का उपहार देने के बाद मैं त्याग पत्र दे दूंगा। कई मुसलमान दोस्तों ने शिकायत की कि सरदार का रुख मुसलमानों के खिलाफ है। मैंने कुछ दुख से उनकी बात सुनी, मगर कोई सफाई पेश नहीं की। सरदार के बात करने के ढंग में एक तरह का अखड़पन है, जिससे कभी कभी किसी का दिल दुख जाता है। मगर सरदार का इरादा किसी को दुख पहुंचाने का नहीं होता। उनका दिल बहुत बड़ा है, उसमें सबके लिए जगह है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। बापू, हिंसा रुक गई है। सभी नेताओं ने यकीन दिलाया है बापू कि अब कौमी दंगे नहीं होंगे। बापू, सबने सच्चे मन से शपथ ली है। सच बापू, अब तो उपवास तोड़ दीजिए। का मेल नहीं होता अब अगर आप उपवास नहीं तोड़ेंगे तो हम भी उपवास करेंगे। ये तो जबरदस्ती है। ठीक है। सरदार साहब नमस्ते। 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 बढ़िया सरदार साहब, कैसी रही फसल? बहुत अच्छी रही सरदार साहब। सरदार साहब, ये सब लोग खेड़ा जिले के किसान हैं, आपसे एक बहुत जरूरी काम है। बैठो बैठो बैठो। सरदार साहब, आप तो जानते ही हैं कि आनंद में एक प्राइवेट विदेशी डेयरी है जो गाँव गाँव से दूध जमा करके बम्बई भेजती है। तो बहुत तकलीफ है, आपकी मदद चाहिए। हमें अपने दूध की कीमत भी नहीं मिलती। सारा मुनाफा वो ले जाता है, हम वही की वही। जो कीमत वो दे रहा है वो लेनी पड़ती है। ऊपर से सरकार ने उसे मोनोपोली दे दी है। आप लोग मुझे एक बात बताओ, वो आप लोगों से अपनी मनमानी करवा कैसे लेता है? क्योंकि आज का दूध आज ही बेचना पड़ता है, घर में तो रख नहीं सकते। उनके पास डेयरी फैक्ट्री है, दूध ठंडा रखने की मशीन है। तो माने आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अपने देश में अपने लोगों के पास अपने साधन होने चाहिए। पैदा करने वाले को खुद फसल बेचने का इंतजाम करना चाहिए। पर गवर्नमेंट पॉलिसी भी तो उसके हक में है।
देखिए, अगर आप लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो मिलकर आवाज उठाओ और मांग करो कि हम अपनी डेयरी खुद बनाएंगे। सरदार साहब, बारडोली सत्याग्रह से सीखी हिम्मत और लगन तो इनमें अब भी कायम है, लेकिन साधन। ये मुरारजी भाई देसाई को आप लोगों के पास भेजता हूँ, ये आपको समझाएंगे कि सहकारी संगठन बनाकर काम कैसे किया जाता है। सब ठीक हो जाएगा। आजादी की लड़ाई ने लोगों के सामने कुछ आदर्श रखे थे, सेवा का आदर्श, निस्वार्थ भावना का आदर्श, जीवन में सादगी का आदर्श। जिन कांग्रेसियों ने आजादी की लड़ाई में अपना घर बार छोड़ दिया, अपना खून पसीना एक कर दिया, आज वो ही सत्ता के पीछे पीछे भाग रहे, अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे, पैसे के पीछे दौड़ रहे। ये सब हमें कहां तक ले जाएगा और कब तक चलेगा ये सब? चलो चलो, बैठ जाओ, कुछ नहीं हुआ है, बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये धमाका और कुछ नहीं, किसी कायर का कारनामा है, वो हमें डराना चाहता है, लेकिन जो खुद डरता है वो किसी और को कैसे डरा सकता है? हाँ चलो। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। और मैंने बापू से ये भी कहा कि अगर आपको कुछ हो गया तो लोग मुझे सूली पर चढ़ा देंगे, लेकिन वो अपनी सुरक्षा का बंदोबस्त करने ही नहीं देते। उनकी हत्या हो सकती है, इस बात को वो हंसी में उड़ा देते हैं। उनकी जिद है कि ना ही पुलिस होनी चाहिए और ना ही उनसे मिलने वाले लोगों की तलाश। फिर भी बिरला हाउस के चारों तरफ 19 पुलिस अफसर के अलावा हर कमरे में एक पुलिस वाला सादे कपड़े में तैनात है। प्रार्थना सभा में भी पुलिस भीड़ के साथ मिलकर लोगों पर नजर रख रही है। इसके अलावा अब और मैं क्या कर सकता हूं? इस सिलसिले में प्रधानमंत्री महोदय मुझे जो भी सुझाव देंगे मैं उस पर अमल करने के लिए तैयार हूं। आदमी तय कर ले तो क्या संभव है? मेरे लिए तो नहीं है, कम से कम इस मामले में तो नहीं। ये तो सरदार जैसी बात नहीं। आप जो चाहे कहें, लेकिन इतना भरोसा कीजिए कि मैं अपने त्याग पत्र की बात जनता तक नहीं लेकर जाऊंगा, ना ही कांग्रेस छोड़कर मैं नई पार्टी बनाऊंगा, बल्कि इस पार्टी की बिगड़ी हुई मशीन को मैं दुरुस्त करूंगा। इससे जवाहर को ज्यादा मदद मिलेगी बापू। जवाहर से बात करूंगा, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा। मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, थक गया हूं, बीमार हूं। मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। इलाज तो मैं तुमसे करवाऊंगा ही, सरकार में नहीं रह पाऊंगा। मैं उससे बात करूंगा। देखो, इस बात को यहीं खत्म नहीं करते, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा।
सरदार साहब, सरदार साहब, सरदार साहब। क्या हुआ? बापू नहीं रहे, किसी ने बापू को गोली मार दे। अभी भी धड़क रही है, धीरे धीरे। 7 मिनट हो गए रुके हुए। Thank you.
बापू की आखिरी ख्वाहिश थी कि आप दोनों साथ रहें। हम अनाथ हो गए सरदार। मेरे त्याग पत्र की मांग ठीक ही तो है। बम विस्फोट से हमें चेतावनी भी मिल चुकी थी, फिर भी हम बापू को बचा नहीं पाए। गृह मंत्री होने के नाते ये मेरी असफलता है। ऐसा घोर अपराध प्लीज जल्दी आइए, इट्स एन इमरजेंसी, लगता है हार्ट अटैक है, प्लीज हरी अप। बापू, बापू पंडित जी आए हैं। आपसे ज्यादा नहीं, मुझे तो बापू के पास जाना था। इन लोगों ने रोक लिया, लोग कहते हैं। जो कहते हैं कहने दीजिए। मैंने नहीं बचाया। उनके सब सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। आप आराम कीजिए, कुछ काम बाकी है। आपके सारे काम मैं खुद संभालूंगा। जंग पकड़ने लगा है। फिर भी जंग के बाद जंग जीते जा रहा है। थैंक यू। हैदराबाद के मसले को सुलझाने के लिए ये एक नया प्रपोजल है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर एक नजर डाल लें। परसों हो गए बाजार से एक भी कपड़ा नहीं खरीदा। जो मैं अपने हाथों से बनाती हूँ वही पहनती हूँ। Really? इसे मैं किसी भी हालत में नहीं मान सकता।
हैदराबाद को स्पेशल स्टेटस देने का सवाल ही कहां उठता है। आपको अगर मंजूर नहीं तो बात यही खत्म होती। आइए। सरदार, मुझे पूरा भरोसा है कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे और लंबी उम्र पाएंगे। आपने जो हमारे काम में साथ दिया है उसका मैं शुक्रगुजार हूं। थैंक यू। आप जा रहे हैं, शायद दोबारा मुलाकात ना हो, लेकिन इस मुश्किल दौर में जो आपने हमारे लिए किया है उसका बदला तुम कैसे चुकाएंगे। इसका इतना महत्व है सरदार, आप तो इनकार कर चुके थे। निजाम का दिमाग एक जगह पर ठहरता नहीं है, वो इस समझौते पर भी दस्तखत नहीं करेगा। वो इसे अप्रूव कर चुके हैं सरदार। वो वायसराय के दबाव में आकर, क्योंकि वायसराय की इच्छा ये है कि वो लंदन जाए, उसके पहले हैदराबाद की समस्या हल हो जाए। रिजवी होने नहीं देगा, क्योंकि इस समझौते के लागू होते रिजवी और उसके गुंडे सत्ता से बाहर हो जाएंगे। रिजवी निजाम को कभी दस्तखत नहीं करने देगा। और अगर उसने दस्तखत कर दिए तो? राजनीति में कभी कभी खतरे भी उठाने पड़ते हैं, लेकिन बापू के शब्दों में कहूं तो मेरी आत्मा की आवाज ये कहती है कि निजाम दस्तखत करके मुझे धोखा नहीं देगा। हैदराबाद एक्शन का नाम होगा ऑपरेशन पोलो। मुख्य सेना शोलापुर से चलकर हैदराबाद पहुंचेगी और दूसरी छोटी सेना बेजवाड़ा से चलकर हैदराबाद पहुंचेगी। सर, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बुशर का कहना है कि 42,000 की सेना और 2,00,000 के ऊपर रजाकार इतनी जल्दी टूटने वाले नहीं। वो कहते हैं कि सरदार साहब की यह गलत फहमी है कि वो 7 दिन में हैदराबाद पे फतेह हासिल कर लेंगे। जनरल से कहना मुझसे शर्त लगाए, वो 7 दिन भी नहीं टिकेंगे। सर, क्या इस वक्त ऑपरेशन पोलो लॉन्च करना ठीक रहेगा? क्यों? पीएम विदेश गए हुए हैं और आप? देखो, मैंने जो होना है वो रुक नहीं सकता। हमने निजाम को समझाने की बहुत कोशिश की, अभी नहीं, अभी ये देश का नक्शा बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए। देश को एक होना ही होगा, होना ही होगा।
क्या हुआ? सर प्लेन का इंजन फेल हो गया है, जहाज नीचे की तरफ गिर रहा है, हमें यही फोर्स लैंडिंग करनी पड़ेगी। डरो मत, कुछ नहीं हो, डरो मत। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक देश है, एक आजाद राष्ट्र, विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र।